बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें all all Allah, فَلَمَّا <متحدث>

कदां, कदां, सुल्ला आप सबको शहर की स्पेशल नशरियात रमज़ान में बोल मैं खुश आमदीद और उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियसे होंगे ओबियसली इस वक्त जो है वो लोग उठ के शहरी की तैयारी करना शुरू कर देते हैं और हम भी आपकी ख़िदमत में हाजिर होते हैं बहुत सारे सवाल बहुत सारी ऐसी बातें आपके जहन में भी होती हैं जो आप पूछना चाहते हैं और हमारी भी यही कोशिश रहती है कि हमारे जो कराम हैं उसके जवाब दे सकें अगर हम उस तरफ़ से नहीं बात कर रहे होते तो बहुत सारी ऐसी हमारे हमारे इस्लाम की इतनी खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें हैं जो हमें राह रास्त पे लाने के लिए शायद काफ़ी हैं और हम सबकी यही हर मुमकिन कोशिश रहती है कि माह रमज़ान में जितना ज़्यादा हो सके जो बरकतें हैं जो नेमतें हैं उनको समेटें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें और इसी सिलसिले में हमने एक सिलसिला शुरू किया कससुलम्बिया का और उसी हवाले से हम ले कर चलते हैं आज नाजिन कससुलम्बिया में एक हैरानकन और ख़ास क़ा आपकी नज़र करने वाला हूँ जो कि एक कड़े इम्तहान जी यानी एक तबलीगी जिदोजहद के साढ़े नौ सौ साल और उसके बाद बार खुदाबंदी में की गई गुजारशात पे मुश्तमिल। आज हम बात करेंगे अल्लाह के एक और प्यारे नबी हज़रत नू आम की नाज़रीन, हजरत इदरीस इद्रीसम की वफ़ात के सैकड़ों बरस बाद की बात है कि अहले ज़मीन पर शैतान का राज था अल्लाह ताला से मांगी हुई मौलत से फ़ायदा उठाते हुए इबलीस ने पूरी कौम को कुफर शिरक में मुफ्तला कर रखा था घर बुत कदे बन चुके थे और पांच बुतों को अपना माबूद तस्वुर कर लिया गया था उन्हीं पांच बुतों को उन्होंने मुश्किल कुशा और हाजित रवा ठहरा रखा था क़ुरान करीम ने उन बुतों के नाम दो यगूस यूक और नसर बताए हैं जो कि सूर्य नूह में मौजूद है लोग अम्बिया सामीन यानी अबुल बशर हज़रत आदम हजरत शीस शीसम और हजरत इदरीस इदरीसम की तालीमत को यकसर भुला चुके थे इबलीस अपनी कारदगी पर बहुत खुश था और उधर आसमानों पर फरिश्ते अहल ज़मीन की मखदूश हालत और शैतान की कामयाबी और उसके मकर फरेब पर हैरान भी थे और परेशान भी उनकी निगाहें बार बार, बार बैत अमूर की जानब उठती वो मुंतजर हैं कि अल्लाह कब उनकी तबाही और बर्बादी का हुक्म नाजिल फ़रमाए लेकिन अल्लाह के फैसले तो बड़ी हिकमत के होते हैं अल्लाह ताला का दस्तूर है कि जब उसकी नाफ़रमानियाँ अपनी इंतहा को पहुँच जाती हैं तो वो नबी मबूज़ फरमाता है और अगर कौम नबी की बातों को भी ना माने तो कहरे इलाही नाजिल होता है चुनाचा अल्लाह तला ने उस कौम ही में से एक नेक शख्स हज़रत नू आम को नवद के जलील मुकद्दर मनसब पे फायस फरमाया क़ुरान करीम में इर्शाद है हमने नूह को उनकी कौम की तरफ भेजा उन्होंने उनसे कहा मैं तुम कर खोल खोल कर डर सुनाने और ये पैगाम पहुँचाने आया हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई और मबूद नहीं है अगर तुम इसी तरह कुफर शिरक़ में मुबतला रहे तो मुझे डर है कि तुम किसी सख्त एज़ाब इलाही में ना मुबतला हो जाओ लेकिन कौम ने उनकी हिदायत को हकारत से ठुकरा दिया हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास से रिवायत है कि अल्लाह ताला ने हजरत नू को 40 बरस की उम्र में अता फरमाई तूफान से पहले आप मुसलसल साढ़े नौ सौ तक अपनी कौम को वाज तबलीग करते रहे कुरान करीम में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं और हमने नू को उनकी कौम की तरफ भेजा तो वो उनमें पचास वर्ष कम हज़ार वर्ष रहे यूं कुरानी तस्री के मुताबिक उनकी उम्र 950 सौ पचास बर्स से मजावज़ होती है हजरत नू आम तवील अरसे से हम वक्त तबलीग दीन में मसरूफ़ रहे बावजूद अपनी कौम की बेरा रवि पर बड़े दिल गिरफ्तार रहते उनकी कौम उन्हें तरह तरह की अजियतें देती उन पर मसाइब के पहाड़ ढहाती लेकिन वो सब्र करते और उनके दुआएं खैर करते रहते हज़रत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तु से के रिवायत है कि नबी करीम अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी नबी को अपनी कौम के हाथों इतनी तकलीफ और अजियत नहीं पहुँची जितनी हज़रत नूसम को अपनी कौम के हाथों बर्दाश्त करनी पड़ी काफिर उनको डराते धमकाते तबलीग से बाज रखने के लिए इतना मारते कि वो बेहोश हो जाते कभी उनके गले में फंदा डालकर बाजारों में घसीटते हजरत इब्ने अब्बास से एक और रिवायत मनकूल है कि उनकी कौम उन्हें इतना मारती थी कि वो गिर जाते तो उनको कंबल में लपेट कर किसी मकान या वाना में डाल देते और समझते कि वो इंतकाल कर गए मगर फिर भी जब उनको होश आता तो वो दोबारा अपनी कौम को राय हक की तरफ बुलाने में मसरूफ़ हो जाते इस तवील जद्दोजहद के नतीजे में सिर्फ अस्सी लोग ईमान लाए हज़रत सलाम कौम की बदहाली पर बहुत गमगीन रहते लेकिन उम्मीद का दामन ना छोड़ते मगर कब तक आखिर तवील और सख्त तरीन काविशों के बाद वो लम्हा आ ही गया जब आप कौम से मायूस होकर अपने रब के सामने मारूज़ात पेश करने पर मजबूर हो गए अल्लाह ताला का कुरान में इर्शाद है अल्लाह से अर्ज़ की है कि परवरदिगार मैं अपनी कौम को दिन रात बुलाता रहा लेकिन वो मेरे बुलाने से और ज्यादा भागते रहे मैंने जब कभी उन्हें बख्शिश की तरफ बुलाया यानी तोबा की जानेब तो ये अपने कानों में उंगलियां डाल लेते अपने चेहरे को कपड़ों से छुपा लेते और जिद तकबर और गुरूर करते मैंने उनको ऐलानिया खुफिया अर्ज किया हर तरह से समझाया कहा कि अपने परवरदिगार से माफी मांगो वो बड़ा माफ करने वाला है वो तुम पर आसमान से पानी बरसाएगा तुम्हारी माली और औलाद में तरक्की देगा तुम्हें बाग अता करेगा तुम्हारे लिए नहरें बहा देगा आखिर तुमको हुआ क्या है तुम अल्लाह की अजमत का एतकाद नहीं क्यों नहीं करते हालांकि उसने तुमको कई तरह से बनाया है क्या देखते नहीं कि अल्लाह ने किस तरह से सात आसमान ऊपर तले बनाए हैं और उनमें चांद को खूब जगमगाता हुआ और सूरज को चिराग बनाया और अल्लाह ही ने तुमको जमीन से एक खास तरीके से पैदा किया फिर वो तुम्हें इस जमीन में वापस ले जाएगा और उससे यका यक तुमको निकाल के खड़ा कर देगा और अल्लाह ने जमीन को तुम्हारे लिए फर्श की तरह बिछा दिया ताकि तुम उसके अंदर खुले रास्तों पर चलो हजर नूअलाम ने कहा मेरे रब उन्होंने मेरी बात रद्द कर दी और उन रईसों की पैरवी की जो माल और औलाद पाकर और ज़्यादा नामुराद हो गए हैं उन लोगों ने बड़ा भारी मकर का जाल फैला रखा है उन्होंने यानी रईसों ने कहा कि अपने मबूद को हरगज़ न छोड़ना और वद और स्वा और यगूस और यऊ और नसर को कभी भी तर्क न करना उन्होंने बहुत लोगों को गुमराह किया है और तू तू भी उन जालमों को गुमराही के सिवा किसी चीज़ में तरक्की ना दे वो अपने गुनाहों के सबब गर्क कर दिए जाएंगे फिर आग में डाल दिए जाएंगे तो उन्होंने अल्लाह के सिवा किसी को अपना मददगार ना पाया हज़र नू असलम ने दुआ की कि मेरे परवरदिगार किसी काफिर को रुए ज़मीन पर बसने वाला ना छोड़ अगर तूने उनको छोड़ दिया तो ये तेरे बंदों को गुमराह करेंगे उनकी नस्ल से भी पैदा होंगे और वो भी बदकार और सख्त काफिर ही होंगे या मेरे परवरदिगार मुझको मेरे वालदेन को और हर उस शख्स को मेरे घर में मोमिन की हैसियत से दाखिल हुआ और सब मोमिन मर्दों और औरतों को माफ़ करते और जालमों के लिए और ज़्यादा तबाही बढ़ा हज़र नूँ स्लम की गुजारिशात बारगा खुदाबंदी में कबूल फरमा गई और अल्लाह ती तरफ वही नाजिल फरमाई इस सिलसिले को आज यहीं पर रुकते हैं कल से फिर हज़रत सलाम का जो वाक़ है उस पर आगे बढ़ेंगे हमारे उलमाए कराम यहाँ पर मौजूद हैं उनकी तरफ बढ़ते हैं आपके बहुत सारे ऐसे सवालत हैं अस्सलाम वालेकुम उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे अल्हम्दुलिल्लाह आज भी अवतार के वक्त बड़ी ख़ूबसूरत बात रही और एक अच्छा सिलसिला बातचीत का चलता रहा ख़वात के हवाले से उनके हकूक़ के हवाले से बड़ी खूबसूरत बात चल रही थी और मेरे ख़्याल से तकरीबन हर तरह से उन उन चीज़ों को समझाने की कोशिश की जो आज उस बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाने की ज़रूरत है वहीं से उस सिलसिले को थोड़ा सा आगे हम बढ़ाना चाहते हैं हम चाहते हैं कि ऐसी बहुत सारी खीन हैं जिनके मैसेजेस भी आ रहे थे जैसे हमारी एक बहन का मैसेज आया और वो खासी परेशान है प्रोफेसर साहब Uh, मुफ्ती अबू मोहम्मद साहब uh, मुफ्ती नवीद साहब हमारे शहीदी साहब आप सब से ये मैं बात करना चाह रहा हूँ शाह साहब भी हमारी uh, बहन बहुत परेशान और मसला उनके साथ ये दरकार है, है कि तकरीबन तकरीबन वो कहती हैं कि मैं उनके जो हस्बैंड हैं uh, उनको तीन साल से ज़्यादा का अर्सा हो गया है बाहर गए हुए और इस हसना में वो वापस नहीं लौटे हैं uh, और कहती हैं कि उसकी वजह से कोई ख़ास उनसे इतनी बातचीत भी नहीं है और आ, आ, सिर्फ माली तौर पे आ, वो इमदाद कर रहे हैं बाकी और किसी किस्म का कोई कनेक्शन नहीं है आ, उनके जो हस्बैंड हैं उनके और मेरे बीच में और वो कहती हैं कि मतलब मुझे भी किसी के सहारे की ज़रूरत है मुझे भी किसी की ज़रूरत है इस तरह से मैं कैसे सिस्टम को लेके चल सकती हूँ बरहान देखिए ये जो सूरत हाल है ये हमारी एक बहन की नहीं है पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ घरानों में ये सूरत हाल है होता ये है कि जल्दी शादी होती है और शादी के बाद कुछ अरसा लड़का अपनी बीवी के साथ रहता है फिर उसे बाहर भेज दिया जाता है कमाने की गर्ज से तो इससे कई मसाइल जो है वो जन्म लेते हैं हालांकि आप देखिए शरीय इस्लामिया हमें क्या दर्ज देती है बीवी के बाकायदा हकूक़ हैं जिस तरह शोहर के हकूक़ हैं नबी रतली वसल्लम ने फरमाया कि अगर मैं अल्लाह के अलावा किसी को सजदा करने का हुक्म देता और ये जायज़ होता तो मैं बीवियों से कहता कि वो अपने शोहरों को सजदा करें लेकिन दूसरी तरफ़ बीवी के हुकूक हैं उसका नान नफका है उसका खाना पीना ये तमाम तर चीज़ें उसका घर उसकी रिहायश और उसके साथ साथ कुछ और हकूक़ हैं बीवी को वक्त देना है और वो वक्त देना बहुत ज़रूरी है सैदना हज़रत फ़ारूक आजम रदी अल्लाह तनों ने जब बाकायदा फ़ौज के निज़ाम को मनज़म किया तो सब कर अलदवान जो मुजाहिदीन थे वो आते थे और मुख्तलिफ जंगों पर निकल जाते थे तो आपने एक बाकायदा निज़ाम वज़ा किया कि चार माह से ज़्यादा कोई अपने घर से दूर ना रहे ये काबिल गौर बात है फैसल भाई चार माह तक वो अपनी बीवी से दूर रह सकता है फिर उसको छुट्टी दे दी जाती थी कि जाओ अपनी एहलिया के पास जाओ अपने घर वालों के पास जाओ आज हमारा अलमिया ये है कि एक शख्स कमाने की गर्ज से वो बाहर चला जाता है तीन तीन चार चार पाँच पाँच साल वो बाहर रहते हैं ये बीवी के हकूक पर डाका है आखिर उसके भी कुछ जज्बाते हैं उस औरत के तो आप उसके जज्बात से क्यों खिलवाड़ करते हैं उसको वक्त दें वो आपके हक में है तो आपकी बीवी है तो बीवी के हुकूक अदा करना आपके जिम्मे जरूरी है यह कोई तरीका नहीं है कि आप अपनी बीवी को छोड़ दें फिर वो गैरों की तरफ देखती रहे सिर्फ रोटी खिलाना ही जो है ना वो ये कोई हल नहीं है बल्कि उसके पास पहुंचना और मैं तो ये कहता हूं कि चार माह से ज़्यादा अपने घर से दूर नहीं रहना चाहिए सवाल ये होता है कि जनाब आ, फिर हम कमाएँ कहां से खाएं कहां से ये भी एक बात मैं आपके गोश गुदार कर दूं आज एक बड़ा मसला है कि जी बीवी भी काम करेगी शोर भी काम करेगा सारे मामला सलाम की बारगाह में एक सियाबी हाजिर हुए और अर्ज की यारसोल्ला वसल् मेरे हालात बहुत तंग हैं और मैं बहुत परेशान हूं माली तौर पर क्या करूं तो नबी नबीम ने फरमाया निका करो उसने कहा जी मैं तो ऑलरेडी शादी शुदा हूं निकाह याफ्ता हूं नबीम ने फरमाया और निका करो तो उसने हुजूर के हुक्म पर दूसरा निकाह किया फिर कुछ अरसे बाद हाजिर हुआ यह सैदीस अर्ज कर रहा हूं तो फिर नबी सलाम से यही शिकायत की तो नबी रहमत नबीम ने फरमाया निकाह करो क्योंकि निकाह में अल्लाह ने बरकत रखी है रिस्क देना उस पर वर्दिगार के जिम्मे है आप लोगों के हकूक अदा करें फैसल भाई ये बात भी हमें जहन में रखनी चाहिए हमारे नाजरीन को भी सोचना चाहिए हुकूक अल्लाह के बाब में अल्लाह रहीम भी है करीम भी है गफूर भी है आप अगर नमाज नहीं पढ़ते पढ़नी चाहिए पाबंदी करनी चाहिए लेकिन किसी से कोई कोताही इस बाब में हो गई वह अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो जाए तोबा करे अल्लाह की बारगाह में झुक जाए तो परवरदिगार करीम है तोबा को कबूल करने वाला है माफ कर देता है लेकिन बंदों के हुकूक वो है जब तक बंदा माफ ना करे परवरदिगार माफ नहीं करता और बहुत सारे शोहर क्यामत के दिन ऐसे होंगे जो बीवियों के हक में पकड़े हुए जाननम में जाएंगे हालांकि उनके बाकी अमाल ठीक होंगे सवाल ये होगा क्यों जा रहे हैं तो बताया यह जाएगा कि इन्होंने अपनी बीवियों के हुकूक अदा नहीं किए इसलिए शोहरों को चाहिए कि वह अपने घरों से दूर न रहें बाहर मुल्क नहीं यहाँ कराची शहर में लोग रहते हुए कई कई माह तक घर नहीं जाते पंजाब से कोई कराची आया हुआ तो वो वापस पलट के नहीं जाता ये जुल्म औरत के साथ ये ज्यादती और इस हवाले से इसका जवाब देना होगा कयामत के दिन की दुनिया में कोई इसका कोई हल है मतलब ये जो ये हमारी बहन ने जो बात की थी मुफ्ती साहब आपसे भी और प्रोफेसर साहब आपसे मैं पूछना चाह रहा हूँ बिस तो रसूल वाला साहब ही व बात देखिए औरत जो है जब शादी हो जाती है उस वक्त सिर्फ़ औरत का कि ये नहीं उसे खाने पीने करिए तो उसके अलावा भी ज़रूरियात है अगर कोई शख्स वो ज़रूरत पूरी नहीं कर सकता इस काबिल नहीं है कि वो ज़रूरत पूरी कर सके औरतों को हक़ हासिल है उसे खुला ले लें इसी तरह जो शख्स बाहर चला गया है सालों साल बाहर है उसने बाहर रहकर अपनी बीवी के ईमान को आजमाइश में डाल दिया उस तो बीवी का हक़ है को अदालत से खुला मांग ले उसे उसका हक़ सिर्फ यही नहीं कि उसे खाए पिए कोई हैवान नहीं है कि वो खाने और पीने के लिए पैदा हुई इसके अलावा उसकी और ज़रूरियात भी हैं उनको पूरा करना भी ज़रूरी शादी का यही मकसद है कि इंसानी नस्ल की बका इंसानी नस्ल की अफजाइश जब इंसानी नस्ल की अफजाइश ही नहीं हो रही कि शौर कहाँ बैठा हुआ बीवी कहाँ बैठी हुई है वो जाने वहाँ क्या कर रहा है औरत तो यहाँ जमैश में पड़ी हुई है ऐसे मर्दों को को तंबी करनी चाहिए बल्कि जो उनके अजीज वकारब हैं रिश्तेदार उनको इस मौके पर उठना चाहिए और उस पर पाबंदी लगानी चाहिए कि मियाँ अथवा हर चार माह बाद जैसे साहब ने फरमाया घर आओगे छुट्टी लेकर आओगे तो ये हकीकत यह है जैसे मौलाना ने फरमाया है

अगर वो तलाक़ दे तो अलग वो तो अलग तो खुला इसका हक़ है उसका कि जब वह शोर उसके हकूक़ अदा नहीं कर रहा तो उसका हक़ हासिल उसका हक चल हम यहीं से कंटिन्यू करते, करते हैं क्योंकि शहीदी साहब भी मुस्कुरा रहे हैं और मुफ्ती अबू मोहम्मद साहब भी मुस्कुरा रहे हैं सो कोई ना कोई बात इन दोनों को जो है वो आ रही है और ये दोनों उस हवाले से कोई बात करना चाह रहे हैं कि इस हवाले से कोई ज़रूर बात करनी चाहिए सो छोटा सा ब्रेक ब्रेक से वापस आते हैं कहीं मत जाएगा जहाँ आप सबको खुश आमदेद कहते हैं हमारी रमज़ान की खसूसी नशियात रमज़ान में बोल और इस वक्त शहर का वक्त होने में अभी काफ़ी वक्त बाकी है तो हमने कहा जरा ज़रूरी बातें कर लें खात के हकूक़ के हवाले से बात चल रही थी और एक सवाल था जिस पर हमने कहा ज़रूर क्योंकि ये एक बहुत आम सा मसला है अगर ये आप हकीकता नहीं समझें बेगम की ये शिकायत हमारी बहन की कि उनके शोहर जो हैं वो तीन चार साल से बाहर हैं वो वापस नहीं आए हैं हाँ कभी कभी बातचीत होती है पैसे तो वो बाकायदगी से बेचते हैं चलेंगे एक हो गया दूसरा एक मसला था कि एक ही घर में रहते हुए छः सात साल गुजर गए लेकिन कोई ताल्लुक नहीं हैं आपस में आ, कोई मियाँ बीवी वाला रिश्ता नहीं है सो ये भी एक बड़ी बड़ी अहम चीज़ है भाई इसमें भी ख़ुत के हकूक़ जो हैं वो मजरू होते हैं उस पर भी बात करनी चाहिए सो फिर बहुत सारी बातें आगे जाती हैं मुफ्ती अबू मोहम्मद साहब की तरफ़ मैं बढ़ता हूँ बिकॉज़ उन्होंने कुछ मुझे जो वो जेर लब यूँ उन्होंने मुस्कुराए हैं तो वो उस पर कुछ जानना बहुत ज़रूरी है जी सर बसमीम हमारे माशरे का एक बड़ा ख़तरनाक अलवैया ये है कि हमारे यहाँ डिग्रियाँ बड़े रूज पर हैं और ये जितनी डिग्रियाँ होती हैं ना जी ये प्रूफ हैं उन अखराज का जो हमने अपनी तलीम पर ख़र्च किए होते हैं वरना इल वही है जिस पर अमल होता है बिल्कुल आज हमारे यहाँ लोग प्रोफेसर भी हैं इंजीनियर भी हैं डॉक्टर भी हैं मुफ्ती भी हैं इस्कालर भी हैं सवाल ये है कि इंसान भी हैं या नहीं ये एक घर की कहानी नहीं है ये दर दर की कहानी है ऐसे सैकड़ों लोग हैं जिनकी शादियाँ हुई सफ़ेद पोश लोग हैं इज्जतदार लोग हैं अपनी बच्चियों की शादियाँ उन्होंने की अब वो अपनी बच्ची के नाम के साथ तलाक या खुला का नाम बर्दाश्त न ना करने की वजह से कि माशरा क्या कहेगा घर क्या कहेगा ख़ानदान क्या कहेगा लोग क्या कहेंगे या उसके बच्चों को कई कई साल से पाल रहे हैं आपने तीन साल की बात की मेरे पास मोबाइल में भी एक केस मौजूद है सत्ताईस साल से बंदा नहीं आ रहा सत्ताईस साल सत्ताईस साल से बंदा यूरोप में मौजूद है बीवी को वक़्त नहीं दिया दे रहा अभी दो दिन लगाकर इस खातून को समझाया तरबियत की एक बापरदातारे औरत, औरत, निका में आई तुमने उसकी जिंदगी के तमाम जज्बात के साथ ऐसे खेला कि जिस तरह कोई दुश्मन खेल रहा है नबी सलम कि महफल में एक ऐसा शख्स आया जिसकी सिर्फ इतनी शिकायत थी कि आलम आकायदालम सल्म ये मेरे जो शोहर हैं ये आकर मुझे ज़्यादा वक्त नहीं देते ये नहीं फ़रमाया कि वक्त नहीं देते ज़्यादा वक्त नहीं देते अल्लाह के हबीब सल व्लम ने उस वक्त तक जब तक उस औरत की हक तलफी की तलाफ़ी मुआफ़ी ना हो गई हज़ूर सलिल्ली सल्म ने उस शख्स को मस्जिद में बर्दाश्त नहीं किया और वो मस्जिद में आकर उसने कहा या यारसुल्ला मेरी जवूजा बाहर खड़ी है आप उससे पूछ सकते हैं कि मैंने उससे माफ़ी भी मांगी मैंने उससे तलाफी भी कर ली और मैं दोबारा इनकी हक तलफी ऐसी कोई नहीं करूंगा आज हम हकूक की बात करते हैं हम किसके मानने वाले हैं कभी हमने सोचा कि हमारे नबी का क्या नाम है हमारे नबी ने अपनी अजवाज को हकूक कैसे अदा किए हैं आखिरी वक़्त में अम्मा अमां खुदीजतुल्कबरा अल्लाह आपकी कबर पर करोड़ों करोड़ों खरबों खरबों रहमत नाजल फरमाए उम्मत की इस माँ ने आखिरी वक्त में अपनी सबसे छोटी और साहबजादी लाडली साहबजादी हजरत फातमत जहर से कहा कि जाकर अब्बा जी से कहो कि आपके कंधे पर जो चादर है वो मुझे दे दें वो मेरे पास भेज दें आकैद आलम सल्ला रिसम मिजाज शनाज थे दौड़ कर तशरीफ़ लाए आपने वो चादर हजरत खुदीजा के सर पर डाल दी फरमाए चादर क्यों मांगी फरमाए ये चादर मैंने कहा कि इसलिए मांगी कि कहीं मेरे सांस निकल जाए मैं दुनिया से चली जाऊं और मैं कह ना सकूं यह चादर मुझे इसलिए चाहिए कि यह आपके जिसम अथर से मस हो गई और यह चादर में इसे अपना कफन बनाऊंगी ताकि मेरी बख्शिश हो जाए हालांकि वो तो वैसे ही बख्शिश थी उनकी मकफूल शुदा लोग थे इस पर जो जवाब आया ना वह जवाब इस उम्मत के तमाम मर्दों को सुनना चाहिए फख्रजम वरब अफसरब वाला आजम आकदम नबियों के नबी रसूलों के नबी रसूलों के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जवाब दिया वो क्या दिया आंखों में आंसू हैं चश्मे नबूत से आंसू निकले नबूत की दाढ़ी में आ गए और आपने क्या फरमाया खुदीजा तुमने चादर मांगी है तुम मोहम्मद मुस्तफ़ा की चमड़ी में मांगती मैं तुम्हें दे देरत आयशा से दीकर रजी अल्लाह उतारा क्या फरमाती बीवियों के हकूक़ किस तरह अदा किए जाते हैं हज़रत आयशा फरमाती है मैं पानी पीने लगी फरमाया जो पानी आप पी रही हो उस पानी में से थोड़ा सा पानी छोड़ देना उस पानी में से थोड़ा सा पानी छोड़ देना वो पानी जब करीब आया तो हुजूर ने पूछा आयशा तुमने कहां से मुंह लगाकर पानी पिया हुजूर ने वहीं से मुंह लगाकर पानी पिया सही हदीस है ऐसे तमाम लोग जो ये बात सुन रहे हैं वो इस बात को कोड करें आपको शरीय ने यह हक दिया है ऐसे मर्द पर अल्लाह के नबी वसल्लम की पूरी उम्मत की लानत भी है कि जो अपनी हुकूक का अपनी ख़वातीन का अपनी बीवियों का अपनी अजवाज का ये हशर करते हैं बाहर मुंह काला करते रहते हैं किसी ने छुप कर निकाह किया हुआ है नॉन डॉक्यूमेंट्स और किसी ने नहीं किया हुआ और अपने घर में जो हक हाँ अलाल की बीवी होती है उसका ऐसी उसकी हक हाँ तलफी होती है कि वो पहले आपके वालदेन की खिदमत करते फिर बच्चों की खिदमत करते 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 बुढ़ापे में कदम रखती है ना वो इधर की होती है ना उधर की होती है ऐसे वालदे से गुजारिश है वो बर वक़्त फ़ैसला करें वो अदालत जाएँ अगर एक साल बाद समझाने से बंदा नहीं समझता दो साल बाद नहीं समझता अदालत में खुला का केस दायर करें खोला लें और अपनी बेहतरीन जिंदगी शरीयत के मुताबिक ये जो तलाक और खोला का कानून रखा गया है वो इसीलिए रखा गया है अगर आपका गुजारा नहीं होता और मर्द आपके हुकूक अदा नहीं करता तो आपके पास ऑप्शन मौजूद है ये ऑप्शन आपको शरीयत इस्लामिया ने दिए आप उस ऑप्शन को अपने हक को इस्तेमाल करें और इससे आज़ादी लेकर आप अपना अच्छा घर बसाएं अल्लाह सब बेटियों के नसीब अच्छे करें बात है मैं वो लोग जो अपनी बीवियों को छोड़कर दूर दुनिया कमाने के लिए चले जाते हैं और उनको ये एहसास नहीं हुआ कि हम पीछे पीछे किस को छोड़ कर आए हैं तो नबी के देखें आप अगर आप सफ़र में जाते आपकी एक से ज़्यादा बीवियाँ थीं उन बीवियों से एक को ज़रूर अपने साथ रखते इतना और कुरा डालते अब किस कुर डाल दे किसका कुरा मेरे साथ जाए कौन मेरे साथ जाएगी तुम तो उस रसूल की उम्मत हो जो सफर में अपनी बीवी को साथ रखे और तुम दुनिया के चार पैसे कमाने के लिए एक जीते जी एक इंसान को मार देते हो तुम्हें यह भी नहीं आता कि हम, हम हम हमारा उनका उनका हम पर हक है समझे तो ये क्या हो रहा है क्या दुनिया पैसा ही सब कुछ है नहीं। पैसे ही सब कुछ है तो ये हमने जब पैसे को खुदा बना लिया है उसकी हर तरह से पूजा कर रहे हैं हम लोग बिल्कुल बिल्कुल इसी में अभी एक और मेरा सवाल आगे आने वाला है जो मैं साथ साथ देख भी रहा हूँ शही साहब इसी बात को समप करेंगे आपके हवाले से भी क्योंकि चार महीने का आ, जो आप ऑफिशियल जो हमारे मजहब में मौजूद है वो चार महीने का टाइम है जी देखिए शादी सिर्फ दो बदन के बंधन का नाम नहीं है बल्कि एक ख़ानदान की तश्कील का नाम है इस हवाले से शरीयत के जो कवानीन हैं वो पहली तरजीह कभी भी नहीं होते ठीक इस बात को समझाने की ज़रूरत है बार बार लोग बात करते हैं शरीयत का कानून ये कहता है क़ानून ये कहता है अगर आप कवानी की बुनियाद पर ख़ानदान चलाना चाहें तो ख़ानदान कभी नहीं चलता कवानीन की ज़रूरत कब पड़ती है जब अखलाकियात का जनाजा निकल जाए वाह वाह अखलाकियात हाकिम हो, तो फिर कवानी कहीं कहीं मैटर करते ही नहीं हैं इसलिए है कि बीवी अपने आप को शोहर पर फ़दा कर रही होती है और शोहर अपने आप को बीवी पर कुरबान कर रहा होता है जब ऐसी फजा हो घर की घर के अंदर तो फिर न बीवी का ये मुतालबा होता है कि तुमने मेरी फलान चीज़ पूरी नहीं की और ना शोहर का ये मुतालबा होता है कि तुमने मेरा फ़लान मुतालबा पूरा नहीं किया चूंकि वहाँ पर ईशार है वहाँ पर कुर्बानी है लिहाजा पहली बात तो यह है कि शादी में इस फज़ा और इस तरह की मोहब्बत का रिश्ता जो है उसको कायम होना चाहिए मियाँ और बीवी के दरमियान दूसरी बात जो आपके सवाल से मुतल है वो बड़ा अहम है देखिए हमारे यहाँ चूँकि हम बर में रहते हैं और बरसीर में इस्लाम बाद में आया इस्लाम से पहले हिंदुआना कल्चर का जोर था और अब भी हिंदू कल्चर से हम ड्रामों के ज़रिए से फ़िल्मों के ज़रिए से मुतासर होते हैं इसलिए हम बाज़ चीज़ों को बड़ा ही मायूब निगाह से देखते हैं उनमें से एक औरत की दूसरी शादी है कि वो दूसरा दूसरी शादी करना चाहे तो उसको ऐब की निगाह से देखा जाता है तलाक लेना चाहे तो उसको बुरी निगाह से देखा जाता है माशरे के अंदर वो यही सोचती रहती है कि अब मैं क्या करूं तलाक लू तो लोग क्या कहेंगे न लूँ तो मेरे हकूक पामाल हो रहे हैं आ, इस, और दूसरी शादी करना चाह रही है तो लोग उसकी जान को आ जाते हैं जी अब मसला इस्लाम का है इस्लाम ने इसमें कोई शक नहीं कि तलाक को बिल्कुल भी नहीं पसंद फरमाया इस्लाम का हुक्म यह है कि तलाक बिल्कुल दुरुस्त नहीं है तलाक नहीं होनी चाहिए लेकिन जब औरत किसी वजह से परेशान हो और बन गली में पहुंच जाए या मर्द किसी वजह से बन गली में पहुंच जाए तो फिर कोई रास्ता तो होना चाहिए जब इशार और कुर्बानी से मामला हल न हो तो फिर शरीयत से मामला हल होगा और शरीय का एक हुक्म जहाँ निकाह का है वहीं पर तलाक का भी है इसलिए तलाक को तलाक को हाँ खुला हाँ। उसी तलाक में से एक आ, उसकी शक्ल है ना तो इसलिए तलाक को कभी भी मयूब निगाह से नहीं देखना चाहिए बल्कि राह हल के तौर पर देखना चाहिए जो शरीयत ने आपके सामने रखा है लेकिन तलाक आपकी पहली और दूसरी तरजीह नहीं होनी चाहिए कभी भी ये दो मसले हल हो गए अब जो मौजूदा सूरत हाल है ये किसी एक घर का मसला नहीं है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके शोहर मुल्क के अंदर नहीं है या मुल्क से बाहर हैं किसी भी वजह से एक अरसे से नहीं आ रहे अब इसकी एक शक्ल और भी है जैसे मुफ्ती साहब ने फरमाया कि कोई शोहर सताईस साल से नहीं आ रहा शरीयत ने दो चीजें रखी हुई हैं भाई अगर कोई खातून और मर्द निकाह के रिश्ते में बंध जाते हैं तो उसके बाद शोहर पर फर्ज है ये फर्ज फिकी मैं बात कर रहा हूं शरीय का हुक्म बयान कर रहा हूं फर्ज है कि वो चार महीने में कम अज कम एक बार बीवी के पास जाए कम अज कम एक बार ये उस पर फर्ज है अगर वो ये काम नहीं करता तो आ, उसने, आ, आ, उसने बीवी की भी हाँ दे किया है ना शहीदी साहब के चलें आप वो, 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 वो क्योंकि हम समझ सकते हैं इस चीज को काम करने वाले लोग के हो सकता है कि जी साल लग गया एडजस्ट होने में हम आज के दौर के हिसाब से अगर बात करते हैं साल कम से कम लगता है एक आदमी को स्ट्रगल करके को करने में। में। आपके सवाल का जवाब आ जाएगा देखिए मैं कह रहा हूं शरीयत ने कम अज कम भी चार, चार महीने की कैद रखी है कि इस दौरान में कम अज कम उसको एक दफा जाना चाहिए लेकिन बाजत मजबूरी पेश आ जाती है जैसे आपने कहा उस मजबूरी के आलम में अब जो औरत बर्दाश्त कर रही है उसको यकीन दुनिया और आखिरत में अजर मिलता है चूंकि बहरहाल वो एक बहुत बड़े जबर की कैफियत से अपने आप गुजार रही होती है बहुत, बहुत। इसमें कोई शक नहीं है। अब अगर शोहर की इस नााहली की वजह से सुस्ती की वजह से या जो भी उस की वजह हो उस वजह से औरत अगर किसी जुर्म की तरफ जाए तो उस जुर्म का आधा गुना तो शोहर के ऊपर है इस ऐसा नहीं है कि शोहर जो बेगुना है बेगुनाह के किया उसको, उसको अजर अजीम मिलेगा अल्लाह की बारगाह में जहां पर उसने अपने नामूस की हिफाजत किया है अपनी इज्जत की हिफाजत किया लेकिन आखिर कब तक सवाल यह है कब तक आखिर औरत है या मर्द है मर्द तो कहीं पर कोई रास्ता तलाश कर ले औरत क्या करेगी शरीयत ने तो उसको कोई और रास्ता दिखाया नहीं है अब औरत के सामने जो रास्ता है वो या सब्र है या फिर अपने शोहर से सेपरेशन है सेपरेशन की सूरत में अगर वो शोहर से तलाक लेना चाहे और तलाक शोहर न दे तो वो हाकिम शराह के पास जाएगा शर् हाकिम के पास और शर् हाकिम उसको शोहर से तलाक लेकर देगा और औरत आज़ाद हो जाएगी और औरत आज़ादी के बाद कहीं पर भी आ, शादी कर सकती है ताकि वो गुनाह के रस्ते पर गजन न हो अब यहां पर बाज मर्द ऐसे हैं जो गुम हो गए हाँ, औरत मैं, जो मैं, है, औरत आ, जो, जो है, है, परेशान पर... है और मर्द जो है गायब है और साल हाँ, साल गुजर गए अब इस, पर... इस पे कितना अर्ज है मैं अर्ज करता हूं उसी तरफ आ रहा कि जब ऐसी कोई सूरत पैदा हो जाए कि मर्द गायब हो औरत को औरत की रसाई ना हो मर्द की तरफ से भी औरत तक कोई का आ, की सूरत ना हो ना यह है, है, पता हो जिंदा है कुछ भी ना हो भी उस सूरत में शरीयत ने जो इजाजत दी है वो यह है कि औरत साढ़े चार साल इंतजार करेगी अच्छा साढ़े चार साल साढ़े चार साल तक इंतजार के बाद अगर शोहर मिलता है बहुत अच्छा साढ़े चार साल है मैं ये बात मुकम्मल कर लूं मैं ये बात मुकम्मल कर लू उसके बाद जो है है जाहिर तमाम फिखे अपनी अपनी आरा तो मैं सिर्फ यह अर्ज करना चाह रहा कि साढ़े चार साल औरत इंतजार करेगी और उस इंतजार के बाद अगर शोहर नहीं मिलता तो औरत खुद ब खुद आजाद हो जाएगी ठीक है। अब वो नया निकाह कर सकती है शादी कर सकती साढ़े चार, चार साल के बाद है। लेकिन अगर इस दौरान में उसने कहीं और शादी कर ली उसके बाद अगर पुराना शोहर आए कहीं से भी किसी भी वजह से तो फिर वो औरत अपने दूसरे शोहर से आज़ाद होगी और पहले शोहर ही की बीवी कहलाएगी बशरते के वो शोहर उसको एक्सेप्ट करे लेकिन अगर वो खुद उसको एक्सेप्ट करने से इनकार कर दे तो फिर वो अपने दूसरे शोहर की जोजा कहलाएगी आ, इमाम अबू हनीफा का जो है गालिबा पचास पचासी साल का फतवा है उनका जो मैंने पढ़ा है पचासी साल का लेकिन आज के दौर में मैंने उलमा से पूछा अहनाफ के बड़े बड़े उलमा से पूछा उन्होंने कहा नहीं आज हमारे उलमा भी यही राय रखते हैं अब मौजूद है यहाँ पर तो वो अपनी राय देंगे उससे हम सब मैं कहाँ से शुरू करूं बातें शहीदी साहब ने कही मैं उस बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाना हूँ फिर इस मसले की तरफ भी आते हैं एक उन्होंने ये बात कही कि जी तलाक को मायूब ना समझा जाए ठीक है तलाक़ को मायूब क्यों समझा गया तलाक़ को मायूब समझने की वजह से आज एक औरत खुला या तलाक़ की तरफ क्यों नहीं आती पिसती रहती है म की चक्की में पिसते 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 उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है लेकिन वो तलाक़ की तरफ क्यों नहीं आती दूसरा लफ्ज़ ये इस्तेमाल हुआ कि हिंदुआना कल्चर आया यहाँ पर अब हिंदुआना कल्चर यहाँ पर मौजूद था उस कल्चर में यह था कि दूसरी शादी का कोई कन्सेप्ट नहीं है ऊपर से सोने पर सुहागा हमारी हुकूमत ने कर दिया कि दूसरी शादी पर हमारे यहाँ वो अनलिगली पाबंदी है कानून पाबंदी है जुर्म है अब दूसरे को दूसरी, में। दूसरी शादी जुर्म है दूसरी शादी जुर्म है कब दूसरी चारी चारी के लिए? ने थी? थी शादी क्या था रही थी ने थी? के सुने इजाजत राम मेरी बात सुनो ना देखिये शरीय के मुतम आप कानून जो भी बनाए यहाँ लोगों से पांच फराइज पूरे नहीं होते वो चार सुनतों के पीछे पड़ जाते हैं मैं जिस मसले के हाल की तरफ आ रहा हूँ ना जो बात समझाना चाह रहा हूँ की इजाजत होती तो बड़ी आसानी के साथ बच्चिया दूसरे निका दूसरे बंदे के साथ अपना निकाह करती तो तलाक को मायूब ना समझा हाथ जोड़कर आपसे माफी मांग रहा हूँ लेकिन यहाँ पे बच्चियों की पहली शादी करना इतना मुश्किल हुआ हुआ होता है तो तलाक तो ये भी तो इतना बड़ा है। के जितनी ये है ना, जितनी चीजें ना शरीयत के खिलाफ ना, ना हो तो कोई काम भी मुश्किल नहीं है बिल्कुल मुझे आप तारीख सहाबा में सिर्फ दो चार सहाबा जो जंग में ऐसे मकाम पर वो नौजवान थे निकाह हुआ जाकर शहीद हो गए उसके अलावा मुझे कोई एक सहाबी बताएं जिसका एक निकाह हो उस वक्त कोई भी औरत बेवा मुतलका सिर्फ उतना ही वक्त अपने घर में रहती जितना वक्त उतना जितना वक्त वो इद्दत में गुजारती ठीक है इद्दत, इद्दत, इद्दत से फारुक होने के बाद वो फौरी तौर पर उनका निका हो जाता ठीक है ठीक है और शहीदी साहब ने जो बात अभी दूसरी कही कि जी इनके यहाँ साढ़े चार साल है हमारे यहाँ साढ़े चार साल नहीं है अहनाफ के अंदर सात साल का वक्त मुकर है उसका भी तरीक़ाक ये है कि औरत अपने ऊपर दो गवाह बनाएगी और उन गवाहों से कहेगी कि आज के दिन से मैं इंतज़ार शुरू कर रही हूँ अपने शोहर का इस दौरान वो आ गए तो वो मेरे शोहर हैं कायम दायम हैं और अगर वो ना आए तो इतना आरसा गुजरने के बाद फोकहा ने लिखा है वो औरत, जी जी, तो उस, औरत निकाह करेगी और ये जो दूसरा कंसेप्ट शहीदी साहब ने बताया ये हमारे यहाँ नहीं है कि वो औरत आए पहला वाला मर्द आ गया तो वो उसके निकाह में होगी ऐसा नहीं है वो जो दूसरे मर्द से उसका निकाह हुआ वो उसी के निका में अच्छा सही सो तो ये जैसे कहा है ना ये कि हमारे यहाँ दूसरा निकाह मना गवर्नमेंट के मना का मतलब ये नहीं कि उन्होंने पाबंदी लगा दी मना का मतलब ऐसी शरूज रख दी गई हैं जिसकी वजह से इंसान दूसरा निकाह नहीं कर सकता मसल मतलब ये शर्त रख देना कि दूसरे निकाह के लिए पहली बीवी से इजाजत नामा ज़रूरी है ये तो ऐसी शर्त है कि क्यों आपने बिल्कुल मना कर दिया ये लोग जो हैं जानी चाहिए की जो कवानीन यहाँ बनते हैं आइन बनाए जाते हैं कम से कम वो इस्लाम के खिलाफ तो ना हो मैं देखे मैं मैं किसी की तरफदारी नहीं कर रहा हूँ लेकिन मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो शौक में दूसरी शादी करते हैं और वो अपनी पहली बीवी के हकूक़ पूरे नहीं करते ना वो कोई और अपना क्या कहते हैं इस्लाम के जो कवानीन है उनको फॉलो कर रहे हैं सिर्फ शादियों का कर, शादियां करने का शौक है

छोटी सी एग्जाम्पल चौदह सौ चौदह सौ साल गुजर गए आकाम सल्लाई सलम को गए हुए अरबों में आज दीन उस मैार का नहीं है जो सहावे का ठीक है मगर उसके बावजूद ऐसे हैं अगर तलाक हो जाती है तो उसे माँ बाप पूछे ना पूछे रिश्तेदार खातन बरादरी को पूछे ना पूछे उसको सबसे पहले गवर्नमेंट उसका वजीफा जारी करती है मुतह अरब अमारा के अंदर बारह हजार है मुतल इतनी पैसे वाली है कि आप तो सफर नहीं कर सकते सारी बिजनेसमैन वो मुतलो दूसरी, दूसरी, दूसरी शादी की जो बात यह है कि हज़रत ने फिका हनफी के हवाले से बात की है अनाफ के यहाँ सात साल का तस्वर नहीं है पहली बात ये, चूंकि मैं फ़िका हनफी को इस वक्त यहाँ बैठ के देख रहा हूँ मेरा तल्लु फिकफी से है हजरत सैदना इमाम आजम अबूा रो नबे साल की बात की या उससे जायद की बात की है मैं उस पर भी बीसियों दराइल दे सकता हूँ कि उन्होंने नवे साल की बात क्यों की फितरतन की किस हवाले से की मैं इमाम आजम अबू का पैरोकार हूँ लेकिन हमारे असर के ओलामा ने लोगों की आप सुन के तो लिए पूरी बात तरीका कार ये होता है कि आप किसी की बात को काटते नहीं आपने जब गुस्तु तो मैंने आपको काटा मैं तो बीसियों ने कहा दे सकता हूं दे नहीं रहा इसलिए कि हमारे असर के ओलामा ने चूंकि हमारे यहाँ ये गुंजाइश है कि मैं अगर हनफी हनफीलमजहब हूँ तो बाज़ मसाइल में हम दूसरे इमाम के कौल पर फतवा देते हैं तो हमारे मुताखरीन ओलामा ने दूसरे जो हमारे हैं, उनके कॉल पर फतवा दिया है और वो फतवा चार पांच साल का भी है कि आप इस अरसे में शोहर मे नहीं होती तो वो निका जो है ये साढ़े चार साल का अरसा इमामत इमाम अहमद बिन हम्बल रतवा देते हैं और वो भी अल सुन्नत के इमाम उसमें कोई जो है वो ऐसी कबात वाली बात नहीं है तो और अगर हम हनफीफे के मुताबिक बात करेंगे तो आनाफ का फतवा वही है लेकिन हम आनाफ के फतवे की बात नहीं करते इसलिए कि इस असर में कई पेचीदगियां पैदा होती हैं तो उन पेचीदगियों को दूर करने के लिए हम ये बात अर्ज करते हैं ताकि ये पेचीदगियां जो है वो मुआरे में ना हो ये खत्म हो और हम दूसरे इमाम के कॉल पर और ये होता रहता है ये कोई आज की बात नहीं है मुतान ने ये काम नहीं किया हमारे मुतकदमीन के यहाँ भी ये बात है कि वो दूसरे के कॉल पर फतवा देते रहते हैं और एक बात मैं अहम अर्ज करूँ आपने तलाक़ के हवाले से बात की कि लोग तलाक़ याफ्त औरत से निका करने को मायूब समझते हैं खुद आकई करीम सल्ला वबारक वसलमा ने हजरत सैदा तय्यबा सैदा ज़ैनब रजियल्ला त से निका किया उनको तलाक हो चुकी थी और फिर नबी अलैहिस्सलाम ने उनसे निकाह करके अपने हरम में दाखिल किया और यह पैगाम दिया कि यह कोई मायूब अमल नहीं है हुजूर अलैहिस्सलाम का एक निकाह कमारी खातून हजरत सैयद आयशा से है बाकी निकाह या बेवाजात से हैं या फिर तलाक़ याफ्ता से हैं ये नबी आसमाम का दर्स है कि जनाब आपने इस तरह से ज़िंदगी गुजारनी है माशरे की औरतों का सहारा बनना है आज एक अलमिया ये भी है कि हमारा नौजवान जो यंग होता है कंवरा होता है उसे यह कहा जाए कि यह औरत तलाक़ याफ्ता है या ये बेवह इससे निका करो फैसल भाई मैं आपसे पूछता हूँ आप मुझे बताइए माशरे में आपका हर तबका फ़िक्र के लोगों से ताल्लुक़ है क्या कोई बाप अपने कवारे बेटे का या मां किसी तलाक याफ्ता या बेवा लड़की से शादी को तैयार होते अच्छा तैयार नहीं होते हालांकि हम जिस नबी की शरीयत को मानते हैं वहां तो यह तस्वर पाया जाता है कि आप तलाक याफ्ता को अहमियत दें आप बेवा को अहमियत दें किस तरीके से कोई औरत बेवा होती है तो फौरन साहब कर रिदवान पैगाम बेचते हैं कि आप अगर लड़का चाह भी रहा हो करना तो उसके घर वाले नहीं मानते और शाह हाँ, ऐसी ऐसी फैमिलीज आती है कि माएँ बच्ची माँ और बाप की शिकायत कर रही हैं कि हम जवान हो चुकी हैं हमारे बाल सिफत माँ बाप क्योंकि वो कारोबार कर रही है बिजनेस कर रही है तो बाप ऐसे ालिम माँ बाप क्यों बच्चियों की शादी नहीं होने दे रहे कि हमें खिलाएगा कौन आप किस मुआरे की बात कर रहे हैं सर

जाएंगे हम वहाँ जाके वापस नहीं आएंगे ढूंढते ढूंढते लोग थक एम दीने के ज खुदा के लिए दासता मुझको यू मत सुना

नहीं आएंगे ढूंढते ढूंढते लोग थक जाएंगे सुबह अल्लाह सुबह अल्लाह जीते रहिए खुश रहिए आगे बढ़ते हैं शाह साहब से वादा करके गया था मैं कि वापस आऊंगा तो शाह साहब शाह साहब ने भी एक बहुत बड़ा पॉइंट उठाया था ब्रेक से पहले और हम ख़ीन के हकूक़ की बात कर रहे थे आज शाम में और बात वो आगे बढ़ते बढ़ते क्योंकि जब आप लोगों के सवाल आ रहे होते हैं तो ऑब्वियसली उन सवालत के जवाब के लिए रेफरेंसेस बहुत ज़रूरी हैं और जितना भी थोड़ा बहुत मैं समझ सका हूँ जान सका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह इसीलिए बड़ा फ़ख्र है मुझे इस बात परवरदिगार ने मुझे एक मुसलमान घराने में पैदा किया क्योंकि इतने हकूक़ तमाम मौजूद हैं सिर्फ पढ़ने की आप दूरी है बाकी हर चीज़ मौजूद है शाह साहब आप, आप इस पे दो बातें जरूर जाएँ लेकिन मसला शाह साहब एक मिनट एक बड़ा ज़रूरी मसला क्लियर करना बड़ी अहम बात हुई थी मफकूतुल ख़बर शोहर के हवाले से वो उसकी मैं तफसील अर्ज़ कर देता हूँ हमारे यहाँ जो मुताना फतवा देते हैं वो ये होता है कि औरत जो है ना वो काजी के पास जाए और कहे कि इन गवाहों की मौजूदगी में मेरा फलां से निकाह हुआ था और अब ये गवाह हैं जो उसके जो है ना वो उसकी कोई खबर नहीं हो रही ये सब इस पर गवाह है फिर अदालत भी उसकी गुमशुदगी उसकी तलाश शुरू करे और प्रॉपर तरीके से जैसे जदीद दौर में मीडिया है हर जरा से उसको तलाश किया जाए वो नहीं मिलता तो काजी उस औरत को ये कहेगा ये आगाज की बात है जब वो मफकूतुल खबर हो तो फिर उसको कहेगा कि चार साल तुम इंतजार करो चार साल के बाद वो फिर शोहर अपना काजी के पास जाएगी खातून और कहेगी कि अभी तक कोई खबर नहीं मिली फिर वो उसको कहेगा कि अब तुम तुम गुजारो इद्दत के और उसके बाद निकाह कर सकती। है ये चार साल के बाद भी इद्दत है जी जी वो चार, वो तकरीबन साढ़े चार साल फिर बन जाते हैं जो हमने बात की थी, थी. वो बात है असल भी हमारे पास आपको पता है क्यूँकि लोग अपने गम दुख दर्द लेके आते हैं बेचारे कॉल्स करते हैं कि वो रूहानी इलाज के हवाले से तो माशरती कई बुराइयाँ हमारे सामने ऐसी ऐसी नमूदार होती हैं कि जिस पर जो ना वजूद कांपने लग जाता है बिल्कुल जैसे मैंने आपको और इसकी वक्फ़ा में हम चले गए कि वो जवान बच्ची बेटियाँ जो घरों में उनके रिश्ते भी आ रहे होते हैं लेकिन वो पढ़ी लिखी हैं कारोबार करती हैं या अच्छे रोज़गार पर हैं तो बदकस्मती से ऐसे हम उनको क्या कहेंगे माँ बाप जिनकी जिम्मेदारी थी बच्चियों को इज़्ज़त के साथ रखसत करना वो उनको कि भाई ये कमा रही है तो हमारा घर चल रहा है तो जैसे अनाफ के नज़दीक शरी मसला भी है अगर बच्ची बालिग हो जाए या बच्चा बालिग हो जाए और वो शादी का तकाजा करें और माँ बाप अगर उसमें यानी कि ताखिर करें किसी उजर के बगैर कि उनकी ख्वाहिशात ख्वाहिशातें शरीय ने उनको इजाज़त दी है कि वो अपना घर आबाद करें कि नई जिंदगी शुरू करें तो माजल्ला अगर वो गुना की तरफ जाते हैं तो उनके माँ बाप इसमें गुना में उनके साथ शरीक हूँ और दूसरी बात हकीकत ये है कि कुरान पाक हमारे लिए ज़ाबता हयात है इंसानियत की बका है जब हम कुरान से रू गर्दानी करेंगे तो ये माशा उस तरफ जा रहा है तो जब हमें एक हल ये भी नज़र आ रहा है कि आपके सामने सर औरतों की लड़कियों की तादाद बहुत ज़्यादा है इस तरह के सैकड़ों वाकियात हैं जो घरों में बैठी रिश्ते नहीं हो रहे दूसरी तरफ शोहर मुलक से बाहर है तीसरा एक आलमिया ये कि कई हुकूक ना अदा करने के बाद मर्द जो है वो औरतें बेचारी अपनी इज्जत और तकद्दस अपने माँ बाप की इज्जत वजह से घरों में बैठी हैं तो कुरान कहता है फ़न की माता हाताबल मिनन नसा मसना वसवरुबा जब ये कुरान इख्तियार दे रहा है कि करें दूसरा तीसरा जिनको अल्लाह ने पैसा दिया है नवा जो हक अदा कर सकते हैं मैं समझता हूँ अगर वो किसी बेवा पर तलाक़ याफ्ता पर हाथ रखते हैं उनसे निकाह करते हैं तो ये माशरे से बहरा रवी का खात्मा होगा हमने असल में कुरान को छोड़ दिया और इस तरह के कई वाक़ क्या हैं कि बेचारी औरतों की उम्रें गुजर रही हैं और लड़कियाँ घरों में हैं मददगार हैं, ज़िंदगी गुज़ार आप लोगों से बहस नहीं कर सकता लेकिन चूंकि मैं इसी माशरे में रहता हूँ और एक मर्द होने के नाते मैं जानता हूँ समझता हूँ इन चीज़ों को मैं कोई मुखालफत नहीं कर रहा हूँ इस चीज़ की लेकिन मेरा देखें आप सबसे एक ही सवाल है आप और कोई फ़राइज पूरे नहीं कर रहे ठीक है ना आप सुन्नत पे चल रहे हैं ना आप कुरान को फॉलो कर रहे हैं ना आप कुछ और कर रहे हैं आपका सारा जोर जो है वो दूसरी तीसरी और चौथी शादी पर ठीक जोर है ठीक जोर है और आपकी कोशिश क्या चल रही है कि हर दफा आप एक बच्ची से जो कुंवारी है उससे आप शादी कर लें ठीक है कि नहीं यार मैं गुनाह से बचना चाहता हूँ तो इस सिलसिले में फिर आप लोग क्या कहते हैं जितनी बहस हुई जितनी बातें हमने सुनी इसका लब क्या है इसका खुलासा क्या है निचोड़ क्या है इसका निचोड़ ये है कि इसकी बेसिक बुनियाद ये है कि हमारी जो तरबियत है वो इस्लामी तरतीब के मुताबिक नहीं हो बिल्कुल भी नहीं हम कुरान करीम की सूरतफ़ातहा से भी वाकिफ नहीं हैं हम बाकी कुरान करीम कैसे पढ़ सकें उसे कैसे कुरान करीम को समझा नहीं पढ़ा नहीं उस पर अमल नहीं किया इस्लाम के असूलों से इस्लाम की तरतीब से इस्लाम की तरबियत से नबी करीम अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी से सहबा इक्राम की ज़िंदगी से फ़िन आमनों बम आमन तुम भी फ़क़ तद हो जो 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 हमारे लिए सहाबा क्राम अहल बहत रोल मॉडल बने नमूना बने नक्शा बने आज देखें ना जी ये मोबाइल देख दे कि मेरा बच्चा क्या कहता है दूसरे का बच्चा क्या कहता है उससे पूछो भाई तुम्हारा आइडियल कौन है कोई मीसी का नाम ले रहा है कोई किसी का नाम ले रहा है कोई किसी का नाम नहीं ले रहा अब मेरी बेटी हजरत खुदीजा हज़रत आयशा को अपना रोल मॉडल क्यों नहीं मानती हज़रत फातमा को क्यों नहीं मानती मेरा बच्चा अबू बकर उस्मान अली को क्यों नहीं मानता हसन हुसैन को अपना रोल मॉडल क्यों नहीं कहता अपने लिए नमूना क्यों नहीं समझता गुजारिश यह है कि हमें थोड़ा सा पलट के वापस आना पड़ेगा यू टर्न लेना पड़ेगा और ये इस बात को तस्लीम करना पड़ेगा कि जब तक हमारी तरबियत कुरान और सुन्नत के मुताबिक नहीं होगी इस्लामी उसूलों के मुताबिक नहीं होगी सहबराम अहिलज़ाम की तरतीब पर नहीं होगी उस वक़्त तक इस मुआरे से और इस दलदल से और दलदल की बुराइयों से बदबूदार ताफन से इस मुआरे की जान नहीं छूट सकती अच्छा ये इज्तिमाही बुराई है इसे हम इज्तिमाही मैं एक बात और ऐड करता हूँ जी जी जो आप बात कर रहे हैं इसी में एक हल्की सी छोटी सी बात और है कि खुद तो खाने के लाले पड़े हुए आप पहले जो आपकी एक फैमिली है जिसको आप सही तरह चला नहीं पा रहे हैं जिसमें आपकी बीवी है बच्चे हैं तो क्या वो दूसरी शादी कर ले देखिए यकीन है समझे कुरान करीम के को समझे वहां अल्लाह तादिलू फरमाया गया है अगर तुम इंसाफ कर सको तो करो ये नहीं कि तुम कर ही जाओ बस जहां मिले अल्लाह so अगर तुम इंसाफ कर, so तो तो कर सको तो तुम्हें इजाजत है इंसाफ कर तो तुम्हें इजाजत यहाँ पर दो पहलू हैं दोनों पहलुओं को सामने रखना चाहिए एक है एक से ज्यादा शादियों की इजाजत का मामला ठीक है और दूसरा है शादी और इस तरह के रिश्ते बंधन तय करने में मादी और माली कैफियत को सामने रखते हुए इनकार और भागना ये दो अलग अलग मौजूद हैं जहाँ पर आपको इजाज़त मिली है कि आप एक से ज़्यादा शादियाँ कर सकते हैं यानी चार तक तो वहाँ पर जाहिर कंडीशन भी हैं कि आप अदल करें इंसाफ करें हर एक को उसका हक दें जितना आपके लिए मुमकिन है ये आपके लिए कंडीशन है अगर ये आप नहीं कर सकते तो फिर न करें बिल्कुल लेकिन जहाँ पर शादियों का मामला है इस वक्त जब आपके माशरे के अंदर फसाद बढ़ रहा है तो उसकी एक वजह क्या है शादियों में तखिर इंसान को आपको आज आप सुबह पाँच बजे से शाम सात बजे तक आपने रोज़ा रखा था रोजे की कैफियत में जब इफ्तार का वक्त आया आपकी कैसी कैफियत थी मेरी क्या कैफियत थी इनकी क्या कैफियत भूख इंसान की फितरत का हिस्सा है जिन्स की जरूरत भी इंसान की फितरत का हिस्सा है चाहे मर्द हो या औरत आप उसमें तखिर करेंगे तो फिर हलाल की जगह हराम का रुख करना पड़ेगा माशरे के अंदर जो फसाद पैदा होता है वो उस हलाल को छोड़कर हराम की तरफ जाने की वजह से पैदा होता है लिहाजा उस रस्ते को बंद करने के लिए फिर अल्लाह ने रस्ते बताए

इंसान ताजुब करता है जब इन आयात को पढ़ता है अल्लाह कहता है कि अगर तुम मुश्किल का शिकार हो मादी हवाले से पैसे नहीं हैं फक्र है भूख है घर में कुछ खाने को नहीं है, तो फिर क्या करो रास्ता अल्लाह बता रहा है सातवीं आयात है सोरे तलाक की अल्लाह कहता है कि जाओ जो जो कुछ तुम्हारे घर में है ना उसमें से जो कर सकते हो वो निकालो किसी गरीब को दे दो आप चीख रहे हैं खुदाया मेरे पास कुछ भी नहीं है और अल्लाह कह रहा है जाओ जो है उसमें से भी दूसरों को दो क्यों इसलिए कि रिस्क के दरवाजे तब खुलते हैं जब आप अपने आप पर जबर करके अपनी ख्वाहिश का गला गोंट कर अल्लाह की किसी मखलूक की जरूरत पूरी करते हैं जब आप किसी और को रोजी पहुंचाते हैं तो अल्लाह उसी को आपके रोजी खुलने का दरवाजा बना देता है ये कुरान की है। ये तो कोई को, किसी बुजुर्ग का नहीं है जब कुरान की हैं, तो फिर हमारा ईमान होना चाहिए कि हम अगर देंगे तो अल्लाह हमें देगा हम अगर अल्लाह पर एतमाद करेंगे और अल्लाह के हुक्म की इताअत करेंगे तो अल्लाह हमारी रोजी के दरवाजे इतने खोलेगा जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते लेकिन शहीदी साहब देखें मैं थोड़ी सी इस मैं तो तो थोड़ी सी इस, इस पे इन पे इन से बात इस पे एक छोटी बात कहना चाह रहा हूँ देखें उससे पीछे भी बहुत सारी ऐसी आयतें हैं जिसमें ओबियसली हमारे जो उस ज़माने के लोग हैं या जो हमारे अम्बिया कराम हैं या हमारे सहाबाए क़राम हैं जब हम उनकी बात करते हैं ओबियसली देखें मेहनती लोग थे काम करते थे मुशक्कत करते थे मशकें करते थे बहुत काम करते थे ठीक है कहीं किसी की तंग दस्ती हो गई तो वो एक अलग बात है लेकिन उनको ये पता है कि वो कुछ ना कुछ कर लेंगे आज के दौर में अगर कोई अनपढ़ है और वो पहले ही किसी और के सर पे पल रहा था और वो पहले से ही अपने क्या कहते हैं मदद पे चल रहा था और उसके पास ना कोई हुनर है ना उसके पास तालीम है ना उसके पास कोई और चीज़ है और उस पर यह करना कि किसी की बेटी की शादी उससे करवा देना आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है देखें okay, हम बात देखें। कर रहे हैं कानून कुल्ली की हाँ इस की बात नहीं कर रहे हैं अगर कोई भी शख्स आप पाकिस्तान के माशरे में पढ़े लिखे लोगों का रेशो क्या है लेकिन पाकिस्तान की मीशत को चलाने वालों की अक्सरियत अनपढ़ लोगों की है मजदूरों की है काम करने वालों की है मेहनत है, है, है ना मैं यही कह रहा हूं मेहनत कशू किया है ये जो आप बात कर रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं इसमें है, कोई शक नहीं आप जब रिश्ता करें तो आप ये देखें सामने वाला मेहनती है या नहीं है गैरतमंद है या नहीं है अपनी बीवी को अपने हाथ से मेहनत करके खिला सकता है या नहीं खिला सकता ये शराय उसमें होनी चाहिए आपसे किसी ने नहीं कहा कि किसी बीमार जहनीय के हामिल को किसी पागल को किसी सुस्त आदमी को नफ्सियाती मरीज को जो खुद दूसरों पर बोझ हो ऐसे शख्स को अपनी बेटी दे कोई भी इस बात की इजाजत नहीं देता आ, बच्चा इसका कुछ मतलब है। कर दो फिर कुछ करने लगेगा आ, कतन मतलब नहीं कतन नहीं इसका नहीं। मतलब यह है कि आप बैलेंस करके चलें बिल्कुल कुल्ली कानून पूरे मुआशरे के लिए है और वो ये है कि इसलिए न डरो कि तुम्हारी नौकरी नहीं है इसलिए न डरो मुझे याद पड़ा। है इसलिए न डरो कि तुम्हारे पास बैंक में पैसा नहीं मुफ्ती है मुफ्ती अबू मोहम्मद साहब ने मुफ्ती अबू मोहम्मद साहब ने दूसरे या तीसरे रोजे पे एक बड़ी खूबसूरत बात की थी कि हमने दीन वो बना लिया है जो मुझे पसंद मुझे है बिल्कुल ही। तो हम उस वक्त वो वाली आयतें कोट कर देते हैं जो हमें पसंद है ठीक बिल्कुल, बिल्कुल है ना ही। तो हम सिर्फ इस चीज को लेके चलते हैं तो इसमें आगे पीछे देखना बहुत जरूरी है देखें ये जो ये जो बात हो रही है इसमें ये चीजें अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है मजाक बना दिया कि लोग कई दफा उम्मा कराम का इस बात पे नाउस बिल्ला मजाक उड़ा रहे होते हैं कि भाई ये तो शादियों के फेवर में भाई ये तो फ़लाँ के फेवर में है भाई ये तो देखें ये कोई बात वो नहीं कर रहे है जो मेरे अल्लाह ने नहीं कही कोई ऐसी बात यहाँ पे बैठे उल्मा या कहीं पे भी बैठे जो उल्मा है वो ये बात नहीं करते जो कुरान पाक में ना हो या अदीस में ना मौजूद हो फिर भी अदीस की कुछ बातों को ये छोड़ देते हैं लेकिन जो कुरान पाक की बातें उनको नहीं छोड़ते तो लेकिन आगे पीछे बहुत कुछ देखा जाता है समझा जाता है आप भी इस चीज को था। एक पाकिस्तान में बहुत सारी जैन साजी करते हैं ड्रामे जो हमारे मुल्क में बनाए जाते हैं जो हमारी औरतें इफ्तार के आगे बात करें और इस पे लंबी बात करें ब्रेक पे आगे बात ठीक है इसकी एक एक बात का जवाब मैं दूंगा आपको छः साहब मैसेज था आँखों की बिनाई के लिए के आँखों की बिनाई कह रहे हैं कि जी बहुत रही है बच्चे आजकल चूंकि आपको पता है कोविड <laughs> की वजह से बड़ा मसला हुआ है बच्चों की माइनस थ्री माइनस थ्री पॉइंट फाइव तक आंखें चली गई हैं सो वो उस पे पढ़ने पर पढ़ने की वजह से लैपटॉप पे और आईपैड पे तो बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसको आप पढ़ते रहें तो बड़ा बेहतरीन आपने सवाल क्या मैं एक बात भी आपकी तायद करूंगा छोटा तो सा ब्रेक, ब्रेक ब्रेक से वापस आते हैं कहीं मत जाइएगा मुझे यह वाला जवाब चाहिए जी हां शहरी का वक्त हो चुका है यहां पे शहरी चल रही है सैरी खाई जा रही है आप लोगों से भी इतमास है कि सैरी शुरू कर दें और बड़ी आ, एक इंटरेस्टिंग डिस्कशन चल रही थी शाह साहब से हमने बात की और मेरे प्यारे भाई मोहम्मद शाह साहब से जब मैं बात करता हूँ ब्रेक आ जाती है पता नहीं इन दोनों का क्या लेना देना है आपस में शाह साहब आप बरकती हैं तो पिछले आप साल होना आप बरकती हैं आपको पता है हम आपसे बात करने लगते हैं पैसे आने शुरू हो जाते हैं रोजी भी आती है, रोजी रोजी भी भी है। रोटी रोजी, रोजी भी, भी आए, मैंने आपसे छोटा सा सवाल किया था जी। बच्चों की बिनाई या बड़ों की बिनाई के लिए कोई पढ़ने के लिए कोई चीज़ बता दें अल्लाह ताला इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसके लिए बड़ा एक अहम वजीफ़ा है थोड़ा सा इस्बाब पर भी गौर कर लेते हैं जी सर बहुत ज्यादा मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल और इसी तरह खास तौर पर जो है क्या नाम है इसका हमारे यहाँ आई पैड लैपटॉप शाह साहब पिछले दिनों तो प्रॉब्लम हो गया था बच्चों का ख़ास तौर से बड़ों का भी कि वो सारा काम ही घर से हो रहा था तो वो काम ही या तो लैपटॉप से हो रहा था या आईपैड पे हो रहा था या फ़ोन पे हो रहा था तो वो तो मजबूरी भी हो गई थी थोड़ी इसके लिए ख़ास वजीफा है कुरान पाक की एक आयत ऐसी है इसमें इसमें आज़म भी है क़ुरान पाक की एक आयत जिसमें इसमें आज़म भी है और इससे आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने फताबर में लिखा है कि जो इस आयत को हर फर्ज नमाज के बाद पढ़ेगा <coughs> अगर खुदा खास्ता उसकी बुनाई लौट गई हो तो इस आयत की बरकत है कि अलमदुल्ला वो भी वापस आएगा यानी आंखें हमेशा रोशन रहेंगी माशा और ये इतनी महबूब अल्लाह के प्यारे महबूब सल वसलम की महबूब तरीन आयत है अल्लाह के रसूल सलि हर फर्ज नमाज के बाद इसको पढ़ा करते थे उसको हम कहते हैं कुर्सी तरीका उसको समझ लें हर फ़र्ज़ नमाज के बाद ऐतुलकरी इस तरह पढ़े अल्लायम पढ़ते हुए जब यहाँ पहुँचे वलाऊद हिफ हम यह हाथ रखें वला यऊद हिफ वला वलाऊद हिफ हम इसको ग्यारह बार पढ़ें इस आयत को और आयत ऐतल कुर्सी पूरी करके वला वलाऊद हिफु हमा वलीम और आँखों पर फूक लें अलहमदल्ह आपकी आँखें रोशन रहेंगी और यकीन कामिल शर्त है कि अल्लाह की ज़ात पे तोल हो कि अल्लाह के कलाम में शिफा है और इसमें इसमें आज़म मौजूद है अलहमदिल्ला इसकी बरकत है आ, एक तो आपकी आंखें रोशन होंगी और अलहमद हमने इसका बार बारहा तजर्बा किया है कि अल्लाह के फजल से अलहमदिल्ला ऐतल कुर्सी की बरकत यह है कि आपकी बिना यानी आंखें रोशन हो जाएंगी और आपका हाफज़ा भी कवि होगा और सबसे बढ़कर बात ये जो हर फर्ज़ नमाज के बाद ऐतल कुर्सी पढ़ेगा अल्लाह के रसूल सल फरमाते हैं उसके और जन्नत के दरमियान सिर्फ मोतहल है तो इसको अपने मामूलात में शामिल रखें इसको याद कर लें बच्चे बच्चे को आयतुल कुर्सी याद होती है और इनशाला इसकी बरकत से अल्लाह के रहमत से आपकी हाफजे भी कवी होंगे आपकी आंखें भी रोशन होंगी और बाज ने यहाँ तक लिखा है कि की कुर्सी पढ़कर जो दुआ मांगी जाती है वो कबूल होती है क्योंकि इसमें इसमें आजम मौजूद है तो इसको अपने मामूलात में शामिल करें सुबह ऐसे भी रमजान है ही कुरान से ताल्लुक मजबूत करने का तो हमें चाहिए कि हम कसरत से कुरान पढ़े इनशाला बेड़ा पा रहा हूँ सुबह अल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया खूबसूरत खूबसूरत बात करने का हमारे पास यहाँ पे आ, हमारे जो नाथ खां हैं यासिर भाई वो भी मौजूद हैं यासिर भाई यहाँ पे थोड़ी सी डिस्कशन आप सुन रहे होंगे क्या चल रही थी जी जी और इस हवाले से बड़ी लंबी डिस्कशन हुई है आपका एक इंटरव्यू मैंने देखा था जी एक प्रोग्राम में उसमें आपने अग्री किया था कि माशाल्लाह से आपने तीन शादियाँ की हुई जी बिल्कुल माशा से तीन जी शाह साहब यासिर भाई तीनों एक साथ हैं कुछ फरागनों मौजूद हैं लेकिन अलग अलग रहती हैं

ये मेरी तरफ से वजीफा है यार सब बातें एक तरफ मुफ्ती अबू मोहम्मद साहब के चेहरे पे मुस्कुराहट आई है ये सबसे खूबसूरत बात थी अबू मोहम्मद साहब अक्सर याद नहीं है ये 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 अच्छी बात थी कि आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आई आप बहुत सीरियस रहते हैं जी यासिर भाई तो कैसे मैनेज करते हैं मैनेज जैसे करते हैं कि अलग अलग रखा हुआ है और एक बाहर है तो आना जाना बाहर कहाँ दुबई में दुबई में जी क्या बात है यार यासे भाई नान नफका खुद पूरा करते हैं अलहदुल्ला माशाल्लाह माशा से फंडिंग क्या पूछ रहे हैं ये कह रहे हैं यार दुबई से फंडिंग होती है, <laughs> है? है, फंडिंग होती है। <laughs> <laughs> तो तो अगर बेगम जो है वो अगर कमा रही हैं तो कोई हर्ज नहीं है अगर वो बुशी अपने शोहर को जो है वो, वो निसाए मसना व सुबा पर आप जो रुबा है इस पर कब अमल करेंगे फिर चौथी आगे करेंगे इंशाल्लाह चलें जी आगे बढ़ते हैं मुझसे मुफ्ती नवीज साहब कोई सवाल पूछना चाह रहे थे जी मैं तैयार हूँ देखिए फैसल भाई गुजारिश है कि आप फील्ड में काम करते हैं मैं भी पाकिस्तान के मुख्तलिफ ड्रामों को अपनी हैसीयत से देखता रहा हूँ मुख्तलिफ टी वी चैनल्स पर उनका कॉन्टेंट के कोई ऐसी बात जो गैर इस्लामी हो तो उसको जो है वो निकाल दिया जाए सेंसर बोर्ड हाँ वो ठीक ये काम हमने की है गुजारिश सिर्फ इतनी सी है कि

आखिर ये हमारे जो राइटर्स हैं ये कोई ऐसी चीज़ लिखें जिससे माशरे के अंदर तब्दीली आए यानी माशरे के लोग ड्रामा देखते हैं मैं लाख मना करूं बैठ के कि ना देखो लोग देखते हैं और हमें इंडियन ड्रामे देखने के बजाय अपने ड्रामे देखने चाहिए मैं ये नहीं कह रहा हमारे ड्रामे लोग देखते हैं हमारे ड्रामे जो है ना वो बहुत बेहतर होते हैं इंडिया के मुकाबले में चूंकि मैं ये चीज़ें देख चुका हूं इसलिए अर्ज़ कर रहा हूं लेकिन यहां ये जो चीज़ें देखें बात बात पर तलाक़ की बात आ जाती है बात बात पर अजम जो है वो निज़ाम आ जाता है घर में और जो ये अजीब चीज़ें जो पहले के हमारे ड्रामे थे अगर हम उन्हें देखें जो हमारे पीटीवी के ज़माने में सत्तर की दिहाई में अस्सी की दिहाई में नबे की दिहाई में बनते थे अगर हम उनको देखकर कुछ चीज़ें करें आप खुद वहाँ मौजूद होते हैं हमने आपको भी देखा है तो चूंकि आपकी फ़ील्ड है तो मेरी गुजारिश ये रहेगी कि इस हवाले से भी जो असलाह का पहलू है ख़ास तौर पर औरतों पर जो मजालम होते हैं उसको रोकना जैसे अभी यहाँ सवाल हुआ था कि कुरान से शादी होती है दीगर चीज़ें ये चीज़ें माशरे की ये भी हमें सामने लानी चाहिए मैं, और मस्बत अंदाज़ मैं, मैं बात करूँ आपसे विनी के ऊपर हमारा ड्रामा बना बाकायदा वो ड्रामा चला लोगों ने देखा बहुत अप्रीशिएट किया कुरान पाक से शादी के ऊपर फिल्म भी बनी ड्रामा भी बना और वो भी चला है आ, फिर उसके बाद माशरती जो मसाइल हैं आ, जिन पे जब हम बात करते हैं एक तो आ, हम होता क्या है कि दो एपिसोड देख के या एक एपिसोड देख के या चार सीन देख के आप फैसला नहीं कर सकते कि हम कहानी क्या सुना रहे हैं जब तक आप किताब पूरी नहीं पढ़ेंगे आपको पता नहीं चलेगा कि उसके आखिर में क्या होने वाला है कभी भी जो इस तरह का इंसान है जो ड्रामे में इस तरह की चीज़ें कर रहा है उसको हम हीरो नहीं दिखाते वो विलन होता है और उसका अंजाम हमेशा बुरा दिखाते हैं दो के दुनिया में शायद उसके साथ वो बुरा ना होता हो आख़रत में होता हो वो अलग बात है लेकिन हम दुनिया में दिखाते हैं कि उसके साथ बुरा हो रहा है और वो माफ़ी तलाफ़ी भी करता है और वो अपनी ग़लती को तस्लीम भी करता है आपका जो हीरो होता है चाहे वो लड़की हो या लड़की लड़का हो उसको हम एक बासूल इंसान दिखाते हैं या अगर वो ग़लत है तो उसको हम दिखाते हैं कि वो अपने आप को बदलता है और वो राह हक़ पे आता है चाहे वो मशरती तौर पे आए चाहे वो इस्लामी तौर पे आए हमारे इस तरह के बहुत सारे ड्रामे हैं जिसमें मैंने बहुत सारे ऐसे ड्रामे किए हैं जिसमें मैं ग़लतियों पर शुरू में फिर उसके बाद व आहिस्ता आहिस्ता चेंज होता है अब वो चाहे किसी औरत की मोहब्बत में हो चाहे अल्लाह की मोहब्बत में हो लेकिन वो अपने आप को बदलता ज़रूर है सो वो इस तरह से हीरो बनता है चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो हम ऑब्वियसली देखें हम जिस माशरे से ताल्लुक़ रखते हैं या हमारे जो राइटर्स हैं वो जिस माशरे से ताल्लुक़ रखते हैं हमारे जो डायरेक्टर्स हैं या प्रोड्यूसर्स हैं हम सब की एक कोशिश होती है कि हम इसलाह की जो पहलू है उसको साथ ले कर चलें अभी फ़िलहाल मेरा जो एक सीरियल चल रहा है आ, उसमें बाकायदा तौर पर वो आपके पास स्क्रिप्ट भी आया था दिल मोमिन की मैं बात कर रहा हूँ सेंसर के लिए और उसको उसमें आपको कोई ऐसी मायूब बात नहीं लगी बिकॉज़ वो हमने बाकायदा एक आ, अंडर क्योंकि एक टीचर हैं हमारे जहाँ जेब भाई बाकायदा वो पढ़ाते हैं तो उन्होंने वो स्क्रिप्ट लिखा और उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो असलाह के लिए की गई हैं कि अगर एक लड़की से ख़ुदा ना खास्ता गलती से मासूमियत से एक आदमी पे इल्ज़ाम लग गया बहुतान लग गया तो उसी लड़के से उसकी शादी करवाई है और इस लड़के के घर वाले बाकायदा उस लड़की को माफ़ करते हैं पहले तो अगर किसी से कहीं कोई गलती या कोई इस तरह की चीज़ हो जाती है हम तो मारने दौर पड़ते हैं हम क्योंकि आप और हम मुस्लिम आशा में रहते हैं माशा मुझे है। आप पर्दा करने वाली लड़की को आइडियल या हीरो क्यों नहीं बना क्यों नहीं है? आप ड्रामे उठा के देखें कितने ड्रामे हैं जिसमें बाकायदा तौर पर यह दिखाया जाता है कि वो लड़की पर खुदा और मोहब्बत आप उठा लें बायदा उसमें इस चीज़ को वाज तौर पर दिखाया गया है कि वो एक पर्देदार लड़की है या एक पढ़ने की कुरान पढ़ने, हाँ। पढ़ने वाली है अभी जो मैं आ, 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 मेरा यही प्ले है उसमें एक मॉडर्न लड़की है आ, जब वो पहली दफ़ा जाय नमाज पर खड़ी होती है तो वो तो उसका दिल हिल जाता है और जब वो सजदे से उठती है तो सुबह हो चुकी होती है सो हम तो ये सब करने की कोशिश कर रहे हैं देखा होगा वो अपने मज़हब को हम उससे ज्यादा दिखा रहे हैं अल्लाह की जात पे तवक्कुल यकीन एक दफा मुलाकात हुई किसी बड़े अच्छे स्टैंडर्ड के बंदे से जो इन मामलों में बड़ा गिरफ्त रखता था उसने मुझे इंडियन फिल्मों के हवाले से एक बात बताई है तो वो मेरे लिए वाकई बड़ी ही अलार्मिंग हाल थी उसने मुझे बताया कि सोशल मौजुआत पे इंडिया में जितनी फिल्में बनती हैं उनमें अट्ठानवे परसेंट फिल्मों में हमेशा किसी न किसी शक्ल में मंदिर बुद्ध उसके सामने पूजा इसको जरूर हाईलाइट किया जाता है सर मेरे को पचास जामे जिसमें नमाज पढ़ते हुए दिखाया मैं, गया है मैं, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ उसी तरफ आ रहा हूँ कि अगर वो लोग अपने बातिल अकीदे और बातिल कल्चर को इतना प्रोमोट करते हैं तो हमारे यहाँ शूरी तौर पर जो हमारे ड्रामे बनते हैं या फिल्में बनती हैं उनमें जो पीछे जहन है ना उस जहन को ताीरी हवाले से दीन के जो तरबियतील हैं उनको हर जगह कोशिश करनी चाहिए दीन का नाम लिए बगैर वो उजागर कर दें दे। सर करूंगा कि वो जरूर देखें आज भी जो हम एक मसला डिस्कस कर रहे थे आ, ये वाला जिसमें यह सबसे बड़ा मसला था जिसमें मर्द बाहर चला जाता है औरत यहाँ रह जाती है मर्द वहाँ शादी भी कर लेते हैं और ये सारा कुछ हो जाता है उस पर हमने सीरियल किया कैद तन बाकायदा इसी इसी चीज़ के ऊपर था मेरी सा जर्रा बे निशान है मैं अब्दुल कादिर हूँ अपना क्या कहते हैं बाबा जानी है दिले मोमिन है पता ही पाँच सौ ड्रामे में तो नाम भी याद, याद नहीं है अभी एक फिल्म पहले असला चीज़ ये है कि एक दफ़ा मुझे एक ड्रामे से फ़ोन आया कि आपके पास हम मसला पूछने आ रहे हैं वो ड्रामा चला भी और उसमें हम भी आए तो जावेद शेख साहब मशहूर पाकिस्तान की शख्सियत हैं वो आ गए और उन्होंने कहा कि हमने मसला पूछना वो आ गए मैं बैठा हुआ था लाइब्रेरी में तो हमने उनको जो है वो बाकायदा मसला बताया उन्होंने कहा जी किताब भी सामने रखे ताकि वो एक सूरत बनेगी वो मैंने कहा जी किताब भी रख लेते हैं वैसे हमें इस मसला हमें मुस्ताजर है इसके लिए किताब की ज़रूरत नहीं भी हमने पढ़ रखा है तो वो मैंने जवाब दिया और मुझे बड़ा अच्छा लगा बाद उस ड्रामे में चूंकि ख़ुद आए मेरे साथ भी थे तो लोगों ने हमें जो है वो उस पर मजम्मत की कि ये नहीं होना चाहिए गुजारिश ये है कि जब ये तलाक के मसाइल होते हैं तो ड्रामे के अंदर होता क्या है कि एक आदमी को नकली दाढ़ी लगाई जाती है उससे मसला पूछा जाता है ये ज़रा मायूसी बात है मदारस मौजूद हैं मसाजिद मौजूद हैं जिस तरह ये तकलीफ अच्छा, करके बात चले जाए वो तरबियत अच्छी हो आपको इसी का जवाब दे रहा हूँ इसी ड्रामे में जिसकी मैं बात कर रहा हूँ दिल Uh, चूंकि उसमें एक बहुत बड़ा मसला था uh, बेटियों के हकूक़ का भी एक मसला हमने रखा था कि बाप जो है वो ज़बरदस्ती बेटी की शादी कहीं और करना चाहता है जबकि uh, वो लड़की और उसको पता है कि उसका जो कज़न है उससे उस, उसकी शादी होनी है तो वो uh, एक, एक नहीं बल्कि बेतहाशा सीन है मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के और बहुत सारे अजान देने का और ये सारा तो हम एक औरिजिनल मस्जिद में शूट कर रहे थे जहाँ से हमें धक्के मार के बाहर निकाला गया सो so, ये वाले इश्यूज भी हमारे साथ होते हैं सर नहीं म, आ, आप मदरसे में, में से बकायदा धक्के मार के लोग मारने आ गए यहां शहीदी साहब बैठे हुए हैं मुफ्ती अबू मोहम्मद साहब हैं अगर मसला पूछने के लिए जाएंगे और कैमरे के साथ जाएंगे तो कौन मना करेगा मेरे ख्याल में हम में से तो कोई मना नहीं करेगा तो यही दिखा रहे थे कि हम वजू दिखा रहे थे नमाज दिखा रहे थे जुमे की जुमे की नमाज दिखा रहे थे हमें और इस तरह की चीजें दिखानी थी एक लड़का जिसपे बहुतान लग गया है सब लोग उसको धुतकार देते हैं वही आदमी जो मोहजन है जो हाँ। मौलवी साहब के पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ता है हम तो इस तरह के सीन दिखा रहे हैं इसके लिए एक तरीका है कि आप औकाफ की मस्जिद हो और ये लेडीज ना जाएं पर्दे का हो ताकि मस्जिद का तकद्दस ना ना हो ना नहीं, ना हो म्यूजिक म्यूजिक नहीं आ, तो हॉल वाला बस तकाल मस्जिद की बात ही नहीं अभी देखिए मसला के हिसाब से बात कर रहा हूं और मसला पूछने के लिए आपको दारुल इफ्ता में जाना होगा अच्छा अब इसमें जैसे ये अच्छा एक और चीज है जो ड्रामे में बड़ी अहम बात करने लगा हूं एक ड्रामा मुझे किसी ने उसका एक क्लिप ही भेजा पूरा मैंने अभी तक नहीं देखा वो बाकायदा निका मुनद होता है कि वो कहते हैं फलां बिनते फलां आपको कबूल है तो अब वो है ड्रामा तो लड़का भी वहीं मौजूद होता है बरह रास्त निका है तो वो तो निका हो जाता है इसका भी हमें ख्याल करना चाहिए लेकिन तो असली नाम तो नहीं है नहीं वो देखिए वो कह रही है मुझे कबूल है ना उसको आप असली नाम को छोड़ दीजिए जब वो ये कह रही है कि मुझे ये कबूल है और फैसल कुरेशी भले वो अब्दुल्ला के नाम से वो ड्रामा कर रहा है वो कह रहा है कि मुझे भी कबूल है मैंने कबूल किया तो वो निकाह मुनद हो जाएगा इसके लिए यह तो बराए रास्त निकाह ना हो बल्कि एक तरीका कार जो वजह होता है जैसे हम लोग बैठते हैं कभी बात होती है तो उस हिसाब से किया जाए तो मेरा एक सेकंडी मीन शहीद साहब की बात को आगे बढ़ा रहा हूँ जैसे आपने हिंदू कल्चर देखा वो अपने मजहब को करते हैं अब हमारे यहाँ भी, भी सर्फ सर्फ एक फिल्म आई जिसमें नाथ खान की तब्दील की गई तो इसका ख्याल किया जाए कुर्रा ज़िंदगी तमाशा में नाथ खान को बुरा बुरा करैक्टर पेश किया गया नाथ खान अल्लाह के रसूल के साथ उनकी नस्बत है हुजूर के सना का है कोई कुरान का कारी हो तो इस तरह का नहीं होना चाहिए हर बंदा एक जैसा तो नहीं हो हाँ लेकिन आपको इसकी मजम्मत करनी चाहिए और हम भी उसकी मजम्मत करते हैं कि हमारे मज़हब को बदनाम नहीं किया जाए कुरान के कारी आलिम यही मिले हैं क्या ये तो बेचारे सारी जिंदगी यार ही है अभी हजू के सना खान देखे कितने प्यारे हमारे माशाल्लाह माशाल्लाह तीन सना नहीं नहीं, यासिर शादी वो भी है एक शादी वाले भी है सनाखा यहाँ आप उसमें खान का बुरा करेक्टर शादी नहीं हुई उसके लिए तो दुआ करें जो दरियान में बैठे रिजवान के लिए रिजवान के, के लिए नहीं माशाल्लाह हमें खुशी हुई कि आपकी अच्छी सोच है

ऐसे बच्चे को तलाश करते करते जिसकी तनख्वाह अच्छी हो जिसका अच्छा हो नबी करीम सल्ला फरमायादा जा आहदो गुम यख तुम करीमा तक फैजा रदई तुम दीना हो अखलाक फसल इलम तफ़ आलो फतफसाद फसादरफिला अगर तुम्हारे पास कोई आए रिश्ता लेकर उसकी दो चीज़ें देखो उसका दीन देखो अख्लाक देखो दीन देखो अखलाक देखो उससे ये ना पूछो कि तुम्हारी तनख्वाह कितनी उससे ये पूछो तुम नमाज पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो तुम्हारे अंदर दीनदारी कितनी है फरमा अगर तुम उसके अखलाक और उसके दीन से राजी हो उसको शादी दे दो उसका निकाह कर अगर ऐसा नहीं करोगे ज़मीन में फसाद फैल जाएगा फसाद फैलेगा ये कि बच्चियाँ घर में बैठी रहेंगी और रिस्क अल्लाह का रिश्ता देखने अब आती हैं या तो लड़के की माँ आती है और उसकी बहनें आती हैं और वो ज्यादातर बैठ के कहती है हाय हाय लड़की के बाल कैसे है पाऊँ तो देखो इसके अल्लाह दांतों में कितना गैप है ये रंग इतना काला क्यों है इसका इसके हाथ इसके हाथ ये, कैसे हैं ये दिनदारी से है येदारी इसकी नाक क्यों नहीं सही करवाई तुम लोगों ने सरी बिठा दिया होता ये सर मैं चूंकि सोशल शोज कर चुका हूँ मैं इन लोगों से ये, मिल चुका हूँ जो, जो इतनी डिप्रेशन का शिकार है कि आप लोग सोच नहीं सकते फैसल भाई वो बच्चियों जो खातून इस तरह से शुरू करे उसको वहीं से जूते मार के निकाल दें बाहर सर उसका वो रिश्ते के लिए नहीं आई वो घर में बैठी रहती हैं उसका उसका भाँ कोई रिश्ते से ताल्लुक नहीं है ये इंसानियत की तोहही है भाई बिल्कुल है ये, ये तोहहीन है इंसानियत की, की। है और दूसरा ये कि अल्लाह ताला ने जिसको जैसा पैदा किया है समझे ना उसमें नहीं निकालना चाहिए समझे ना हमारे देखो ये इंसान के बस की बात नहीं एक गोरा और काला होना ट्रॉली कल्चर खत्म होना चाहिए गोरा और काला क्या इंसान के बस की बात है इंसान के बस की बात क्या उसकी दीनदारी बस दीनदारी देखो बाकी रिज का मामला अल्लाह पर छोड़ दो हमारे बुज़ुर्ग थे शेख अलबानी रहा वो उनके पास एक साहब आए एक कहने लगे जैसा मैं अपनी बच्ची की शादी करना चाहता हूँ और लड़का जो है माशा सही है दीनदार है अच्छा है सेहतमंद है तो लेकिन पैसे में कमज़ोर है फरमाया उसके पास कमरा है रहने के लिए कहते हैं उसके पास मुसल्ला है नमाज़ पढ़ने के लिए हाँ उसके पास लोटा है वजू करने के लिए कि हाँ फरमा फंस जाओ निकाह कर दो दुनिया की दुनिया में जैसे पीछे आप पढ़ेंगे समझे ना? तो वो इसी तरह इंसान दुनिया को देखोगे एक आप मतलब मतलब आप एक बच्चा है मतलब बहुत बड़ा इंजीनियर है सॉफ्ट इंजीनियर ये अभी ये भी, भी बच्चा है बहुत पैसे वाला यार बड़ी इंजीनियर ये ये भी, भी बड़ा पैसे वाला है उसमें उसके अभी उसे शादी को छत्तीस साल की उम्र है हॉस्पिटल में पड़ा हुआ सारा जिसम पैराल तो ये इंसान चाहिए करें लड़की में भी दीन औरत में और निका किया जाता खूबसूरती की वजह से नसब की वजह देखा, दे। देखा जाता है और उसके दीन की वजह फरबा दीन जो लड़की दीनदार है उसको तरजीह दो जी सर जो बात करना चाह रहा हूँ सब लोग इत्तेफाक करेंगे सिर्फ इतनी सी बात के ये जो आपने बात छेड़ी थी जो आते हैं रिश्ता देखने के लिए बाकायदा पूरी महफिल सचती है पूरे खर्चे होते हैं वो बेचारी सुबह से शाम तक जो है वो खाने बनाती है और फिर वो लोग खा के और कहते हैं जी हम इस्तारा करेंगे और फिर जाके दूसरे दिन मना कर दिया जाता है और ये ढोंक रचाया जाता है कि जी हमारा इस्तारे में ना आई है, ये सरासर फ्रॉड होता है

जो सेल्फ कॉन्फिडेंस तो है वो उसका शटेड हो जाता भी भी है बिल्कुल तो शेरी साहब आखिरी दो मिनट है एक एक बात आप मैं फिर आखिर में भाई ये जो कैफियत बयान हो रही है ये इंतहाई अफसोसनाक कैफियत है ये इंसानियत की तजलील है, मजहब की बात ही छोड़ दें बिल्कुल ये चाहे कोई भी हो इंसानियत की तजलील है अल्लाह ने और अल्लाह की किताब ने इंसान को अजमत दिया है बेशक औरत को उसका वक़ार दें उसका मकाम दें उसको एहतराम दें और रिश्ता ये देखकर कभी भी ना करें कि पैसा है या नहीं है Allah. ये देखकर कर करेंगे क्या उसके अंदर ईमान नंबर एक और गैरत और हमीत है या नहीं है अगर गैरत और हमीयत हो तो खुद भूखा रहेगा बीवी को खिलाएगा अगर बेगैरत हो और उसके पास करोड़ों रुपए हो वो बीवी को भी बेच के खा जाएगा इसलिए उसके अंदर मौजूद ईमान और हमीत और गैरत देखें रिश्ता कर दे अल्लाह बरकत देगा जी मुज़म्मत करता हूं जो नबी साहब ने की कि हमारे यहाँ क्या है सारी जिंदगी बेटी को पाला बड़ा किया अब उसको रुख्सत का वक्त आ रहा है फैसले का ऑनलाइन इस्तखारा ये कौन सा सौ रुपये दो सौ रुपये यार आपकी बेटी इतनी यानी कि आपके लिए बोझ हो गई कि आप एक मिनट का हमारे भी लोग ये एक सेकंड में भाई खुदारा इसखारे को मजाक ना बनाए इस्तखारा दो रकत नफील अदा करें जो अल्लाह के रसूल ने फरमाया और वो दुआ पढ़ें खुद और फिर रात को सो जाएं जो हदीस में तालीम दी गई है ये हमारे ऑनलाइन इस्तखारा ऑनलाइन इस्तखारा बच्चियों को तलाशें हो रही हैं जी इसखारा कर लिए ये इस्तारा नहीं इस्तारे का मजाक है लोगों ने कारोबार बनाया हुआ कि सौ रुपए दो सौ ऑनलाइन फोन किया जी मेरी बेटी का ये नाम है और इस पे जो हदता हूँ मैं कहता हूँ वो माँ बाप जालिम है जो ऑनलाइन फोन करके एक लंबे में अपनी बेटी का फैसला कर रहे हैं कि बोलाना साहब बिजली का बिल थोड़ी ऑनलाइन जमा कर उस बेचारे ने कारोबार बनाया उसको कुरान भी पढ़ना नहीं आता वो नमाजी भी नहीं है वो आलिम भी नहीं है और वो बेचारा लोगों की जिंदगी फैसले कर रहा है।, इसके करते हैं। जी, आ, बिल्कुल, जी। है कि जितनी भी गुफ्तु हुई अल्लाह तमें इससे शाउर करने की आमी, आमी, और अल्लाह ताशरती तौर पर इस्लामी जिंदगी नसीब फरमाया हमारे पूरे मुआरे को यहाँ इस गुफ्तु का एक निचोड़ ये भी निकला कि हमारे यहाँ बच्चों की शादियां उस वक़्त नहीं की जाती भाई अभी बच्चा सेट नहीं हुआ बच्चे ने कमाया कुछ नहीं है नौकरी हाँ। लगेगी फला होगा ये बिल्कुल इस्लाम के खिलाफ कंसेप्ट है हमारे यहाँ जो कंसेप्ट राय जो चुका है वो ये है सेट होंगे तो शादी करेंगे लेकिन इस्लाम का जो कंसेप्ट है वो इसके बिल्कुल बरक्स है वो क्या है वो ये है कि शादी करोगे तो सेट होगे बरकत सारी शादी के साथ है दूसरे में एक एग्जाम्पल दूं दीन को कैसे बुनियाद बनाना चाहिए इस, इस एक बहुत बड़ी एक छोटी बात कह रहा हूँ छोटी उम्र की बहुत सारी शादियां हैं जिनकी तलाकी हुई हुई है आज के दौर में मैं मैं अर्ज़ कर रहा हूँ मैं अर्ज़ कर रहा हूँ जितनी तलाक की रेशो है खुला की रेशो है उसकी बुनियादी वजह मैं उसी तरफ आ रहा हूँ उसकी बुनियादी वजह यह है कि रिश्ता करते वक्त हम दीन नहीं देखते हम पर्सनालिटी देखते, नहीं देखते नहीं हैं।, हैं कोठी देखते हैं गाड़ी देखते हैं ऐसी बच्चियों के यहाँ भी रिश्ते नहीं होते बड़ी पढ़ी लिखी दीनदार बच्चियाँ हैं जी आपके घर में गली छोटी है बड़ी गाड़ी नहीं आती अभी हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी कंपनी में नाम नहीं लेता वो कंपनी वाले आए हमारे एक दोस्त के घर उन्होंने बच्ची पसंद कर ली रिश्ता हो गया अब वो साहब उठे उन्होंने कहा जी हमारे पास ये भी है गाड़ियाँ भी हैं फैक्ट्री भी है, है फलां यूनिट भी लगा हुआ है फलां भी है आखिरी बात उन्होंने क्या कही बेटे को इलादा पकड़ के ले गए बेटे को साथ लेकर आए बेटा आप नमाज़ पढ़ते हैं उन्होंने कहा जी पढ़ता हूँ कहा कितनी नमाज़ें पढ़ते हैं कहा ज़ोर भी पढ़ लेता हूँ असर पढ़ लेता हूँ बाकी रह जाती हैं जुम्मा पाबंदी से पढ़ता हूँ उन्होंने फरमाया जी आपके साथ हमारा रिश्ता नहीं हो सकता जो अल्लाह का हक अदा नहीं करता वो हमारी बेटी का क्या करेगा वाह सिर्फ दीन की इत्तेफाक करेंगे रिश्ता कोई ऐसा रिश्ता नहीं बता सकते जो दीन की बुनियाद पर हुआ हो और वो टूटा हो ये तो खैर इस पर बिल्कुल भी बात नहीं कर सकता सर आजाद जमील साहब हमारे साथ मौजूद हैं उनकी तरफ चलते हैं आइए الحمد لله رب العالمين अल्मदिल्लाबी वाकबतलमतिन वसलत वसलम अला अशरफ अलम्बिया इबलमरसलीला अल वबी अजमाइन अबाबा मेरा मोहतरम भाई दोस्त मेरा और आपका बड़ा करीम रब के साथ वास्ता है यकीनन, यकीनन इस दुनिया में अयाम हम गुजार रहे हैं दिन रात, दिन रात सुबह शाम, शाम। जिस तरह कट रहे हैं जिस तरह ज़िंदगी गुजर रही है हम लम्हा बलम्हा लम्हा अपनी हकीकत की तरफ, तरफ करीब हो रहे हैं दुनिया से दूर हो रहे हैं और, और असल जो ठिकाना है उसके करीब जा रहे हैं बुनियादी चीज़ है कि हम कशमकश में रहते हैं कभी नेकी कभी गुना कभी खौफ कभी डर लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत खूबसूरत बात कही फरमाया कि अगर कोई गुनाह करने वाला न होता तो अल्लाह ताला ऐसी कौम को पैदा फरमाते जो गुनाह करके फिर तोबा करते और अल्लाह उन्हें माफ करता तो यकीनन माफ़ करना की बड़ी शान शार है शार। और उनमें अयूब, पर पर्दे, पर्दे डाले हुए, पकड़ने पर आए जूठ बोलते ही पकड़ लेता गलत करते ही पैर रुक जाते चूंकि जमीन भी उसके ताबे है आसमान भी उसके ताबे है और छह फरिश्ते हर वक्त हर इंसान के साथ होते हैं छह फरिश्ते तो ये किरामन कातबीन से हटकर जो हर इंसान के साथ फरिश्ते होते हैं उनके हफ, इसकी हिफाजत के लिए वरना तो शयातीन और जन्नात इंसान को छीर फाड़ देते तो इसकी हिफाजत के लिए इसके साथ प्रोटोकॉल में फरिश्ते चलते हैं और ड्यूटी होती है सुबह और होते हैं शाम को और होते हैं तो उनके जिम्मे लगा दिया जाता कि ये गलत करते ही इनकी ठुकाई लगाएं, ऐसा नहीं किया या ये गलत करें तो इन पर पानी बंद कर दो इन पर रोटी बंद कर दो इनके कान के सूंगने की सलाहियत सलब कर दो कान के सुनने की सलाहियत सलब कर दो जबान के बोलने की सलाहियत सलब कर दो इसमें आंखों के देखने की सलाहियत सलब कर दो हाथों में पकड़ने की सलाहियत इससे छीन लो तो ये अल्लाह कर सकता है और अल्लाह कर सकते थे लेकिन नहीं हमें छोड़ दिया दुनिया में दोनों चीजें दिखा के वह दईना जईदाह वकवाहा दोनों चीजें सामने रखी और कोई ढकी छुपी नहीं है सब नुमाया है और यह भी बताया ये हादा सेरा तो मुस्तिमा यह वो रास्ता है जो मेरी तरफ आ रहा है यह वो रास्ता है जो नफस शैतान के ताबे होके इंसान को कहीं का नहीं रहने देता तो हम मोमिन डर और खौफ और उम्मीद के दरमियान रहता है आपने फरमाया कि गुना तो मैं गमगीन कर दे गुना गमगीन कर दे और नेकी तुम्हें खुश कर दे तो समझ जाना ईमान वाले हो आज गुना गमगीन नहीं कर रही नेकी खुशी नहीं दे रही वजह क्या है हम खौफ में आ गए हैं हमने अपने करीम रब को बड़ा सख्त तस्वर किया हुआ है बड़ा खतरनाक तस्वर किया हुआ है ऐसा नहीं है वो करीम है अल्लाह ने अपने आरश पे लिखवाया है कि मेरी जो गैज़ वो गज़ब है है उस पर मेरा हिल्म भारी ऊपर है।, है तो माफ करना आफू दरगुज़र ये अल्लाह की शान है और अल्लाह के पास जो माफी मांगने चला जाए ना तोबा करने तू इरा बतन्ना सोहा जो वापस आए जो लौट के वापस आता है तो अल्लाह तला तो हदीस में आता है ना कि मेरा बंदा मेरे साथ ये गुमान रखता है हदीस कुछ सी है जब अपने मलाइका पर ये बात होती है कि ये मेरा बंदा गुनाह करता है फिर कहता है मैं तोबे की तरफ आऊँ तो इसको यकीन है कि मुझे कोई माफ़ करने वाला है तो मैं इसीलिए इसको माफ़ कर रहा हूँ कि इसको ये उम्मीद है कि मेरा रब मुझे माफ़ करने वाला है और अल्लाह के नबी ने फरमाया मैं तो दिन में सत्तर दफा से ज्यादा इस्तिगफार करता हूँ जरूरी नहीं कि इस्तिगफार उस वक्त हो जब गुना हो जब इंसान नेकी करता है तो फौरन दस लिखी जाती है जब गुना करता है तो फौरन नहीं लिखा जाता ये जो उल्टे हाथ पर बुराई लिखने वाला है ये नेकी लिखने वाले से पूछता है ये इसका चीफ है इससे पूछता है कि आपकी इजाजत है इनकी ये गुना लिख लू अगर ये इजाजत दें फिर ये लिखते हैं ये क्या कहते हैं नहीं ठहर जाओ थोड़ा वेट करो शायद ये तोबा कर ले शायद ये माफी मांग ले थोड़ा ठहर जाओ तो काफी देर बाद फिर पूछते हैं इजाजत दें मैं इसका गुना लिख दूं तो ये फिर कहते हैं थोड़ा ठहर जाओ जब टाइम ज्यादा गुजर जाता है तो फिर ये कहते हैं अच्छा अब लिख लो फिर वो एक लिखता है और जब इंसान नेकी करे तो ये इससे पूछे बगैर दस नेकियां लिख देते हैं कितना करीम है वो रब कितना करीम और जब इंसान नेकी कर लेता है तो फिर ये जब गुना होते हैं और उस पर तोबा हो जाती है तो ये गुना खत्म नहीं होता ये नेकियों पर तब्दील हो जाते हैं तो जब तक सांस चल रही है मेरा आपका एक एक सेकंड बहुत कीमती है एक एक लम्हा बहुत कीमती है अगर मूसा साम के ज़माने में कहत साली और बारिश बंद और ज़मीन पर चारा घास सब खत्म हो गया तो लोग हजरत मूसा सलाम के पास आए कि या कलीम अल्लाह अल्लाह से दुआ फरमाएं कि बारिश हो हज़रत मौसा सलाम ने अल्लाह से दुआ की अल्लाह बारिश तो बरसा दे मेरी कौम बूंद बूंद को तरस रही है रहम फरमा करम फरमा तो अल्लाह रब्ज़त की तरफ से हुक्म होता है कि आपके इस मजमे में एक फ़र्द है जो मेरा ना फरमान है चालीस साल से इसको इस इस वक्त आप बाहर निकालें इन लोगों में से जो इजमा है इनसे बाहर निकाले मैं बारिश बरसा दूंगा तो वो शख्स अपने आप समझ गए जिसका नाम तो वाजह नहीं था और मूसा जलाल में उठ खड़े हुए और कहा जो अल्लाह का नाफरमान है वो हमारी मजलिस और इस मजमे से बाहर निकल जाए तो वो साहब अंदर ही अंदर अंदर ही अंदर क्या कह रहे हैं या अगर मैं निकल गया तो सब कहेंगे ये वही शख्स है जिसकी वजह से हम पे पानी बंद था जिसकी वजह से हम अजाब में च... के शिकंजे में थे हम झकड़े हुए थे तो अंदर ही अंदर कह रहे अल्लाह मेरी इज्जत रख ले मुझे बेजती से बचा ये अंदर ही अंदर तोबा नहीं कर रहा अपनी बेजती से बचने के लिए अल्लाह से के... कह रहे हैं कि अल्लाह मुझे शर्मिंदगी से बचा तो एकदम बारिश बरसी जब बारिश हुई अजरत मूसला अल्लाह से अर्ज करते हैं या अल्लाह कोई इंटर हुआ ना कोई आउट हुआ ना कोई आया ना कोई गया ये बारिश कैसे तो फरमाया जिसकी वजह से बंद की थी मैंने उसी की वजह से बरसाई आई है कही अल्लाह वो है कौन नाम तो बताए जब मेरा ना फरमान था मैंने नाम नहीं बताया अब तो उसने मुझसे सलाह कर ली मैं कैसे बताऊं और इसी बने इसराइल में जब लोग नाफरमानी करके और गुनाह करके तो उन्हें शहर बदर कर दिया जाता था जंगलों में उनको भेज दिया जाता था तो एक साहब को शहर बदर करके वो गुनागार थे तो जब शहर से निकाला गया तो जब वो जंगल में ऊपर देखा कोई नहीं नीचे देखा कोई नहीं दाएं देखा, देखा कोई नहीं बाएं देखा, देखा, कोई, देखा कोई नहीं और, और अंदर ही अंदर कहने लगा या मुझे छोड़ दिया कि मैं गुनागार हूं सब ने मुझसे कर दिया सब ने मुझे नजरअंदाज कर दिया क्या तूने भी मुझे छोड़ दिया या मैं तुझसे अपने किए हुए पे मान हूं मैं तुझसे माफी का तलबगार हूं मुझे माफ फरमा ये अल्फाज थे और रूह निकल गई मूसा को एकदम वही नाजुल हुई मूसा मेरा एक वली फला जंगल में फोत हो गया है जाके उसका जनाजा पढ़ें और ये ऐलान साथ सुने जो उनका जनाजा पढ़ेगा अल्लाह उसकी महफरत कर देंगे तो लोग भागे भागे गए के अल्लाह के एक वली जंगल में पड़े हैं जिनका जनाजा पढ़ने के लिए ये हुक्म है कि जो पढ़ेगा उसकी मफफरत हो जाएगी तो लोग भागे भागे गए जब करीब आए देखा अरे तो वही शख्स है जिसको हमने निकाला था ये तो वही है जिसको हमने गालियां निकाली जिसको हमने क्या कुछ नहीं कहा और हमने लातालुकी करके उसको जंगल में फेंक दिया था कि ऐसे ही मर जाएगा ये वो, ये तो वो है तो, तो हुक्म होता है अल्लाह ये तो वो शख्स है, है जिसके लिए तो सारा शहर कह रहा है कि इससे तो बड़ा नाफरमान फरमान कोई नहीं था मैंने तो तंगा के जंग, जंगल में छोड़ दिया तो अल्लाह इज़्ज़त फरमाते हैं इसने जिस वक्त मुझे पुकारा अब ये तो अपने लिए इसने अपने लिए तोबा की अगर ये पूरे आलम के इंसानों की बख्शिश का भी कहता मैं सबको माफ कर देता अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अल्लाह का एक हुक्म है कि मेरे हबीब जब तक आप इनमें हैं जब तक आप इनमें हैं मैं इनको अजाब नहीं दूंगा और जब ये आपके बाद इस्तफार करेंगे मैं इनको अजाब नहीं दूंगा दो चीजें हैं आप मौजूद हैं आपके बाद ये तोबा इस्तफार करें मैं अजाब नहीं बेचूंगा उमूमी अजाब नहीं आएगा और आपने फरमाया मैं तुम में दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं एक बोलने वाला है एक खामोश है बोलने वाला कुरान है खामोश मेरी सुन्नत है इन दो को अपनाए रखोगे तुम कभी गुमराह ना होगे तुम पर कभी अल्लाह का अमूमी अजाब नहीं आएगा आपने फरमाया कि एक फरमायाबी ने अर्ज़ किए यार्ला कयामत में हिसाब कौन लेगा तो आपने फरमाया अल्लाह लेगा। तो सहाबा कहने लगे बखम बहम मज़े हो गए मजे हो गए जब अल्लाह हिसाब ले वो तो करीम रब है तो मेरे अजीज उस करीम रब से ला तकन तु महम्ला इन यकुरू बजमी से ना उम्मीद ना होना अल्लाह से ना उम्मीद नहीं होना जमीन के जर्रों के बराबर आसमान के सितारों के मानंद एक फर्द के गुना हो और एक दफा अंदर ही से कह दे के अल्लाह मुझे माफ कर दे तो वो रब क्या कहता है मन तक्रब इला कह तो हम मैंने माफ़ कर दिया तो मेरा वास्ता और आपका वास्ता उस रब के साथ है जो, जो अच्छा जो तोबा करके जो नेकी करे वो है ना नेकियां बुराइयों को खा जाती है अल्लाह ताला हमें नेकी करने की तोबा करने की तोफीक बख्शे बहुत शुक्रिया आज़ाद भाई बहुत शुक्रिया आप सुन रहे थे आजाद जमील साहब को और अब आजान फजर का वक्त हुआ चाहता है इनशाला आपसे मुलाकात होगी दोपहर तीन बजे हमारी खसूसी नशरियात में रमज़ान में बोल इजाज़त दीजिए अपना ख्याल रखें और ये जो बातें हैं ये जो बयान हैं आज वाकई इनको इनको नोट करें और अपने इर्द गिर्द वालों को भी समझाएं बस यही कहना चाहता हूँ और कुछ नहीं अल्लाह हाफ़ الله, الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله. الله، اشهد الل... ان لا